जय हिंद दोस्तों आई एम डॉक्टर अशोक धमीजा अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है और उनकी ट्रेनिंग कहां-कहां होती है इसके बारे में बेसिक डिटेल्स मैं डिस्कस करूंगा यह वीडियो आपके पास अन अकेडमी द्वारा लाया जा रहा है अन अकेडमी इनफैक्ट इज द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया आप चाहें तो इसका प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के बारे में डेली लाइव क्लासेस तथा लाइव टेस्ट और क्विजेस और एग्जाम के सिलेबस के अनुसार आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलेंगे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तथा साथ में आपको लाइव क्लासेस तथा जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उनके लिए भी आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी इसमें आप एक लर्नर ऐप है अन अकेडमी की वो आप गूगल के प्ले स्टोर या फिर एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ मोबाइल यू हैव हैकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में दोस्तों आपको मिलते हैं हंड्रेड प्लस टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया से इंटरेक्शन करने का एडवांटेज और उनसे सीखने का एडवांटेज फ्रेंड्स प्लस कोर्स में इतना कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है सिलेबस का जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मोर देन फिफ्टीन थाउजेंड कोर्सेज आर अवेलेबल फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इट इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स और रेलिवेंट टॉपिक्स कवर होते हुए दिखेंगे अगर आप चाहें तो अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसके प्राइसेस भी आपको स्क्रीन पर दिखाए गए हैं और अगर आप ये रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको उसमें टेन परसेंट का डिस्काउंट भी मिलता है आप चाहें तो प्लस सब्सक्रिप्शन की बजाय आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जिसमें आपको सर्टेन एडिशनल एडवांटेजेस मिलते हैं जैसे कि पर्सनल कोच या पर्सनल मेंटर, जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहेगा फ्रेंड्स उसी प्रकार से ऑप्शनल पेपर के लिए भी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है अन पर तथा ऑप्शनल पेपर और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का भी उफ, काम्बो ऑफर भी अवेलेबल है तथा प्लस सब्सक्रिप्शन तथा ऑप्शनल पेपर का कोम्बो ऑफर भी अवेलेबल है जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके अलावा फ्रेंड्स एक बात याद रखिए सात फरवरी को मॉर्निंग में इलेवन ओ इंडिया का लार्जेस्ट फोर्थ नाइट कॉन्टेस्ट फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन अन अकेडमिक कॉम्बार्ट होने वाला है इसमें आप फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं यू कैन यूज द रेफरल कोड अशोक टेन टू लॉग इन टू दिस फ्री कॉन्टेस्ट केस यू नीड टू यूज अ रेफरल कोड फॉर दैट पर्पज एंड इस कॉन्टेस्ट में आपको 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चन आंसर करने हैं तथा इसमें डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट कॉम्बेंट्स में आपको पार्टिसिपेट करने का चांस मिलेगा और इफ यू गेट टॉप थ्री रैंक्स इन दिस कॉन्टेस्ट देन यू गेट एडवांटेज ऑफ आपको गिफ्ट मिलती है थ्री मंथ का यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जनरल स्टडीज का प्लस सब्सक्रिप्शन और यदि आप फोर से वन फिफ्टी का रैंक लाते हैं इस कॉन्टेस्ट में तो भी आपको एमेजन के रुपीज वन थाउजेंड के डिस्काउंट वोचर आपको मिलेंगे फ्रेंड्स इसके अलावा अन अकेडमी पर ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी से नए तीन बैचे स्टार्ट हो रहे हैं और दिस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयरस एग्जामिनेशन एंड 23 के एग्जामिनेशन के लिए और इसमें आपको तीन लैंग्वेज ऑप्शन है बाई हिंदी एंड इंग्लिश ये आपको सिक्स मंथ्स का बैच वन ईयर का बैच उसी प्रकार से टू ईयर्स का बैच फॉर द 23 एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कुछ स्पेशल एन सी बैचेज भी स्टार्ट किए जा रहे हैं ट्वेंटी जनवरी से उसमें भी आपको थ्री लैंग्वेज ऑप्शन आपको मिल सकते हैं तो इफ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब टू द प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी फ्रेंड्स ऑन द स्क्रीन अभी आप मेरे बारे में कुछ ब्रीफ डिटेल्स देख सकते हैं और मेरा अन अकेडमी का जो प्रोफाइल पेज है वो भी आप देख सकते हैं जहां से आपको मेरे जो फ्री लेक्चर्स होते हैं अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्पेशल क्लासेस उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकते हैं यू कैन ऑल्सो सी माई सोशल मीडिया प्रोफाइल डिटेल्स तो फ्रेंड्स लेटेस्ट नाउ

जो कि उनके ही नाम पर बनाई गई है सरदार तो वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी बोला जाता है हैदराबाद में स्थित है वहाँ पर एक ऊंची रोक पर उनकी स्टैचू लगाई गई है वेन आई वॉज इन ट्रेनिंग इन हैदराबाद नेशनल पुलिस अकेडमी इन द ईयर नाइनटीन एटी फाइव टू एटी सेवन उस समय से ये स्टैचू उसके काफ़ी समय पहले से ये स्टैचू वहाँ पर लगी है शायद जब से एन पी ए बनी है तभी से ये स्टैचू वहाँ पर है तो ये एक प्रेरणा का स्रोत है वन गेट्स इंस्पिरेशन बिकॉज देखिए आईपीएस है वो एक ऑल इंडिया सर्विस है ऑल इंडिया सर्विसेज को एस्टेब्लिश करने में उनको एनकरेज करने में सरदार पटेल का काफी योगदान रहा है जो कि उस समय वो इंडिया के होम मिनिस्टर थे तो उनको ये एक सही ट्रिब्यूट है वाई स्टार्टिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स नाउ लेट मी स्टार्ट विद ए बेसिक इंट्रोडक्शन टू द इंडियन पुलिस सर्विस देखिए इंडियन पुलिस सर्विस एक ऑल इंडिया सर्विस है, है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया तो ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो है आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें बेसिकली ओरिजिनली दो ऑल इंडिया सर्विसेज मेंशन की गई थी एक तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आई और दूसरी इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आई उसके बाद में क्योंकि आर्टिकल थ्री में कुछ और भी ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने के लिए प्रोविजन किया गया था तो बाद में एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस वो भी शुरू की गई एज इन ऑल इंडिया सर्विसेज उसके अलावा ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज का भी प्रोविजन है लेकिन आज तक वैसी सर्विस शुरू नहीं की गई है तो देखिए आर्टिकल थ्री में ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रोविजन है ऑल इंडिया सर्विसेज की जो मेन स्पेशलिटी है वो क्या है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में एक कॉमन सर्विस है ज्यादातर जो सर्विसेज होती है ज्यादातर जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं वे या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉज हैं या उनके जो ऑफिसर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं उसी प्रकार से कुछ दूसरे प्रकार के गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल लेटर से मान लीजिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या स्टेट का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है तो वो एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करते हैं लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज की स्पेशलिटी क्या है ऑल इंडिया सर्विसेज ये स्टेट्स और सेंटर दोनों में कॉमन है यानी कि जो भी पर्सन ऑल इंडिया सर्विसेज में सेलेक्ट होता है चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो तो बेसिकली उसको एक स्टेट कैडर एलोकेट किया जाता है यानी कि जनरली उसको एक स्टेट कैडर मिल जाती है फॉर एग्जाम्पल वेन आई वॉज इन सर्विस आई वॉज एलोकेटेड टू द महाराष्ट्र कैडर तो मोस्ट ऑफ आपका जो सर्विस करियर है वो एक्चुअल में उस स्टेट में जाता है लेकिन फॉर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स आपको सेंटर की पोस्टिंग में भी जाना पड़ता है जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल कुछ साल उनको सेंटर में भी बिताने पड़ते हैं फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू विच टाइप्स ऑफ पोस्ट आर अवेलेबल फॉर द इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बारे में ब्रीफली आई विल टच अपन दैट तो देखिए ये तो हो गया एक स्केलेटन प्रोविजन आर्टिकल थ्री वन टू का कि किस प्रकार से ऑल इंडिया सर्विसेज बनाई गई है अंडर द पावर्स ऑफ द और अदर द अंडर द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस अथॉरिटी के अंडर में फिर पार्लियामेंट द्वारा एक ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट पास किया गया है, 1951 इस एक्ट के अंतर्गत आईपीएस तथा जो बाकी जो दो सर्विसेज हैं आईएएस ए तथा आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वे इसके द्वारा रेगुलेट होती हैं फिर इस एक्ट के अंडर में काफी सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं जो या तो इन तीनों सर्विसेज को कंबाइंड रूप में गवर्न करते हैं फॉर एग्जांपल जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स है ऑल इंडिया सर्विसेज डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स है तो इन रूल्स के द्वारा क्या क्या कंडक्ट एक्सपेक्टेड है फ्रॉम एन आई ऑफिसर या फ्रॉम आई ऑफिसर वो चीजें मैंशन की गई हैं उसी प्रकार से फिर कुछ सर्विस स्पेसिफिक रूल्स भी हैं जैसे आप अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आईपीएस के लिए स्पेसिफिकली जो अलग से रूल्स बनाए गए हैं जैसा मैंने बताया कुछ रूल्स कॉमन है और ऑल द थ्री ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल है डिसिप्लिन अपील रूल्स है पेंशन रूल्स है और इस प्रकार के कई और भी रूल्स हैं लेकिन सर्टेन रूल्स ऐसे हैं जो सर्विस स्पेसिफिक है आई के लिए अलग है आईपीएस के लिए अलग है जैसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं उनके रिक्रूटमेंट के रूल अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होगा प्रोबेशन के रूल्स हैं पे के रूल्स हैं सर्टेन अलाउंसेज है और स्पेशली फॉर द आईपीएस आईपीएस यूनिफॉर्म रूल्स है किस प्रकार की यूनिफॉर्म पहनी जाएगी उनके बैजेज ऑफ रैंक क्या है या बाकी यूनिफॉर्म की क्या क्या आइटम्स है ये सारी डिटेल्स कौन से रैंक को किस प्रकार की यूनिफॉर्म पहनी है ये सारी डिटेल्स इसमें उसी प्रकार से आई पी एस कैडर रूल्स भी हैं जब आप स्टेट कैडर में जाते हैं तो किसी स्टेट के कैडर में क्या क्या पोस्टें ऐसी हैं जिनको कैडर पोस्ट डिक्लेयर किया जाता है ये सारी डिटेल्स बेसिकली इन रूल्स में आपको मिल जाती है तो फ्रेंड्स नाउ लेट मी शो यू द बेसिक टाइप्स ऑफ पोस्टिंग जो किसी आईपीएस ऑफिसर को किस इस प्रकार की पोस्टिंग जनरली मिलती है उसका ब्रीफ डिटेल आई एम ट्राइंग टू गिव यू देखिए बेसिकली तीन प्रकार की कैटेगरीज में वी कैन डिवाइड इट पहला तो देखिए मोस्ट ऑफ देयर टेन्योर जैसे आईपीएस ऑफिसर का अप्रोक्सीमेट टेन्योर देखिए अबाउट थर्टी फाइव ईयर उसमें तीन चार साल प्लस माइनस हो सकते हैं जैसे नॉर्मली ट्वेंटी वन ईयर की एज में अगर कोई सेलेक्ट होता है द मिनिमम एज तो मैक्सिमम सर्विस उसकी थर्टी नाइन ईयर्स की एक्सपेक्टेड होती है लेकिन काफी सारे लोग सेलेक्ट होते हैं आफ्टर ट्वेंटी फाइव कुछ लोग इवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन की एज में भी सेलेक्ट होते हैं तो यू कैन से अप्रोक्सीमेटली थर्टी से थर्टी नाइन ईयर्स तक की सर्विस जनरली रहती है एक आई पी एस ऑफिसर की तो उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो जाता है वो देखिए अंडर द स्टेट गवर्नमेंट जाता है तो कि जैसे मैंने आपको बताया प्रत्येक आईपीएस ऑफिसर को एक स्टेट कैडर एलोकेट किया जाता है उसका अपॉइंटमेंट होने के बाद में तो जनरली फिर मोस्ट ऑफ हिस्सा सर्विस का वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में ही जाएगा उसमें देखिए स्टेट पुलिस आ जाती है स्टेट पुलिस में भी डिफरेंट विंग्स हो सकती है फॉर एग्जाम्पल जैसे सिटी पुलिस होगी जैसे आवाजी महाराष्ट्र कैडर तो वहां पर मुंबई पुलिस है पुणे पुलिस है ये सिटी की पुलिस है उसी प्रकार से फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी हो सकती है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है अमरावती डिस्ट्रिक्ट है या दूसरी जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है फिर एंटी करप्शन ब्यूरो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है सी है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जिसमें सीरियस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन कई बार इनको दिया जाता है उसी प्रकार से एक स्पेशल ब्रांच होती है जिसको जनरली इंटेलिजेंस विंग के नाम से जाना जाता है जो कि कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस का काम करती है टू असिस्ट द गवर्नमेंट इस प्रकार से और भी कई पोस्ट हो सकती है लेकिन बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है कि किस प्रकार की पोस्टिंग्स स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हो सकती है उसके बाद में देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में भी जैसे आपको मैंने शुरू में बताया कि किसी आईपीएस ऑफिसर को अपनी सर्विस में से कुछ साल सेंट्रल गवर्नमेंट में निकालने पड़ते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में देखिए किस किस प्रकार से पोस्टिंग मिल सकती है जैसे देखिए आई यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो सी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फिर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बी फिर एन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उसमें भी रिसेंटली आईपीएस ऑफिसर को वहां का डायरेक्टर बनाया गया था और दूसरी भी पोस्टिंग्स रहती हैं फिर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पूरा क्राइम का स्टेटस्टिक्स पूरी कंट्री का इकट्ठा किया जाता है फिर नेशनल पुलिस एकेडमी इट्सल्फ जिसमें आईपीएस ऑफिसर की इनिशियल बेसिक ट्रेनिंग होती है उसमें भी डेपटेशन पर नॉर्मली आईपीएस ऑफिसर ही जाते हैं फिर बीएसएफ है ये सारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ आईटीबीपी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एन एस एन एस जी फिर एस एस बी सशस्त्र सीमा बल फिर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एन टी आर ओ रो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो बेसिकली एक्सटर्नल इंटेलिजेंस कलेक्शन के काम आती है नेट ग्रिड है ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का बेसिकली कोऑर्डिनेशन की तरह से है इसके अलावा कई बार आईपीएस ऑफिसर की जो पोस्टिंग है वो अदर एजेंसीज में भी हो सकती है जैसे कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टेट्स में इवन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एम की पोस्ट भी आई के पास होगी कई बार जो स्टेट ट्रांसपर्ट होता है उसके जो एम डी की पोस्ट है वो भी आई को दी जा सकती है या कई बार यूएन में भी पोस्टिंग होती है यूनाइटेड नेशंस में स्पेशली इन द पीस कीपिंग फोर्सेस कुछ कंट्री में अगर फोर्सेज भेजे जाती है तो वहां पर भी आईपीएस ऑफिसर को कई बार डेप्यूट किया जाता है तो बेसिकली इस प्रकार की पोस्टिंग्स एक आईपीएस ऑफिसर को उसके टेंडर में मिलती है लेकिन ये सब पोस्टिंग मिलते हुए किस किस प्रकार के रैंक्स आईपीएस ऑफिसर के रहते हैं मतलब शुरू में जब आईपीएस ऑफिसर ज्वाइन करता है तो धीरे धीरे कैसे प्रोग्रेस करता है तो उसका बेसिक डिस्क्रिप्शन मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन में दे रहा हूं देखिए ये नेशनल पुलिस एकेडमी जहाँ पर आईपीएस ऑफिसर की बेसिक ट्रेनिंग होती है उनकी ट्रेनिंग जो कि करीब दो साल की होती है उसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में उनका बेटा है तो ये उसका बेसिक एंट्री गेट है हैदराबाद एन का और ये उसी का एक थोड़ा क्लोजअप एंगल है तो लेट मी क्लेरिफाई एट द बिगिनिंग इट एट द आउटसेट इट कि इस वीडियो में जो भी इमेजेस डाली हैं उसमें से मोस्ट ऑफ़ द इमेज एक्चुअली मैंने पर्सनली ली हुई हैं क्योंकि आई हैव बीन गोइंग टू एन पिछले कई सालों में मैं कई बार एन में गया हूँ कई बार कुछ सेमिनार्स है कई बार मेरे खुद के लेक्चर्स डिलीवर करने के लिए क्योंकि वहाँ पर कई स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी होते हैं तो मैनी टाइम्स आई हैव गर तो मैंने पर्सनली मोस्ट ऑफ द फोटो ली हुई हैं वही आपको दिखा रहा हूँ दो चार फोटो ऐसे भी होंगी जो कि मैंने एनपीए की वेबसाइट से ली हैं तो फ्रेंड्स देखिए अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस किस प्रकार के रैंक्स हैं आईपीएस में देखिए सबसे जो टॉप मोस्ट रैंक माना जाता है वो देखिए डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो का माना जाता है उसको देखिए फुल आर्मी जनरल के इक्वलेंट का रैंक दिया जाता है जिसमें एक अशोक स्तंभ है एक स्टार है एक क्रॉस बैटन है तो ये रैंक आईपीएस में सिर्फ एक ही ऑफिसर को अवेलेबल रहता है वो है डायरेक्टर आई यानी कि डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो उसके बाद में थोड़ा सा इससे कम एक अशोक स्तंभ और एक सोड एन बैटन ये रहता है डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो कि हेड ऑफ द स्टेट पुलिस फोर्सेज भी है यानी कि जो स्टेट पुलिस पूरी स्टेट पुलिस फोर्स का जो हेड है एच एच ओ पी एफ भी बोलते हैं उसको हेड ऑफ द पुलिस फोर्स तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उनका इस प्रकार से रैंक रहता है इन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर डीजीपी ऑफ द स्टेट जो हेड ऑफ द पुलिस फोर्स है उसके अलावा सीबीआई के डायरेक्टर हैं या फिर आ, आ, कुछ अदर जो सेंट्रल फोर्सेज जैसे बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल होंगे वहाँ डीजी बोलते हैं इन सब को बेसिकली पे स्केल में आ, एपेक्स पे स्केल बोलते हैं पे स्केल लेवल सेवनटीन इन सभी के लिए हालांकि डायरेक्टर आई और डी जी डायरेक्टर के रैंक में थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन इनका पे स्केल सेम होता है जिसका मैंने आपको बेसिक आइडिया भी दिया है दिस इज देयर बेसिक पे इसके ऊपर कुछ डी ए वाला भी रहता है प्रेजेंटली एज एज फार आई थिंक अबाउट इसके ऊपर रहता है और अदर अलाउंसेस भी ऑफकोर्स रहते हैं तो उससे जो थोड़ा सा नीचे रैंक आता है एक्चुअली में एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो मैंने बताया हेड ऑफ द पुलिस फोर्स स्टेट पुलिस फोर्स मतलब पूरी स्टेट की जो मेन विंग है आ, उसका हेड रहता है उसको जनरली आजकल हेड ऑफ पुलिस फोर्स भी बोलते हैं डायरेक्टर जनरल पुलिस उसके ही इक्वलेंट रैंक ही है ये नीचे जो मैंने दिया हुआ है एक्चुअल में रैंक सेम है लेकिन जनरली उसमें से एक डीजीपी लेवल ऑफिसर को सेलेक्ट करके उसको पूरी स्टेट के पुलिस फोर्स का इंचार्ज बनाया जाता है और जो सेम रैंक के जो दूसरे ऑफिसर हैं उनको भी डीजीपी ही बोला जाता है या कई बार उनको डीजी बोलते हैं डायरेक्टर जनरल वो फॉर एग्जांपल जैसे एसीबी में उनकी पोस्टिंग हो सकती है या और सर्टेन पोस्टिंग्स हैं जहां पर डिपेंडिंग ऑन द स्टेट उनकी पोस्टिंग्स हो सकती है उनका पे लेवल बोलते हैं सिक्सटीन लेवल और उनका जो बैजेज ऑफ रैंक है वो बेसिकली सेम है इनफैक्ट जैसे कि आप नेक्स्ट स्क्रीन पर देखेंगे इवन एडिशनल डी उसका भी जो बैजेज ऑफ रैंक है वो भी एक्चुअली में सेम है एक अशोक स्तंभ और उसके बाद में एक क्रोसोर्डन बेटन बैटन और फ्रेंड्स उसके नेक्स्ट जो रैंक आता है वो है आईजीपी रैंक का तो आईजीपी के रैंक भी आप देख, सकते। एक और आप देख सकते हैं अशोक स्तंभ और इसलिए क्योंकि काफी लोगों को इसके बारे में क्यूरोसिटी भी रहती है और काफी लोगों को इसके बारे में कंफ्यूजन भी रहता है मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ जैसे अगर आप हिंदी मूवीज देखते हैं तो अक्सर हिंदी मूवीज में जिस पर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं कई मूवीज़ के तो बजट दो दो, तो, दो सौ तीन सौ करोड़ तक रहते हैं अभी जिस प्रोजेक्ट पर दो सौ तीन सौ करोड़ का बजट लगाया जाता है उसमें मैंने कई बार देखा है कि किसी आईपीएस ऑफिसर्स के जो स्टार्स दिखाए जाते हैं जो उनका बैजेज ऑफ रैंक दिखाया जाता है वो एकदम गलत बताया जाता है मतलब जो चीज़ उनको फ्रीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है उसको भी आई डोंट नो इतने हाई बजट की मूवीज में भी किस प्रकार से वो गलत बताते हैं तो मतलब कहने का मतलब यह है कि इतना इग्नोरेंस है लोगों में तो दैट्स वाई आई थॉट कि आपको बेसिक आइडिया देता हूँ क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग यू के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अपियर होना चाहते हैं और नेचुरली uh, काफ़ी लोगों की इनफैक्ट फर्स्ट चॉइस भी रहती है आईपीएस की लेकिन काफ़ी लोग हैं ज़्यादातर लोग आईएएस को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा प्रमोशन की एवेन्यूज़ बेटर रहती है या फिर कुछ लोग इंडियन फॉरेन सर्विस को भी प्रेफरेंस देते हैं फर्स्ट लेकिन काफ़ी लोग आईपीएस को भी फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स की जनरली सेकंड प्रेफरेंस तो आईपीएस रहती ही है तो देखिए अगर आपको जैसे आईपीएस ऑफिसर बनने में इंटरेस्ट है तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि, कि किस प्रकार का उनका रैंक स्ट्रक्चर है आई एम ट्राइंग टू गिव द इन्फॉर्मेशन ताकि आप पहचान सकें आप एकदम ऐसा ना हो कि आपको बिल्कुल ही इग्नोरेंस रहे कि कौन से रैंक है या आप गलत रैंक उनके बारे में सोच करके जैसे हिंदी मूवीज स्पेशली अगर आप देखते हैं

रैंक uh, के हिसाब से अगर हम रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो उनका लेवल मोर और लेस सिमिलर रहता है उनको सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर बोला जाता है थोड़ा पे स्केल उनका हायर रहता है अदर एस लेवल से तो पे लेवल थर्टीन उनको माना जाता है उसी प्रकार से फिर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का एक जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड है जो जनरली जब एसपी uh, लेवल में प्रमोशन होता है किसी आईपीएस ऑफिसर का तो इस टाइप के आपके बैजेज ऑफ रैंक्स आपको मिलते हैं और नेक्स्ट फिर देखिए सीनियर टाइम स्केल है तो इसमें अगेन डिपेंड करता है आपको एडिशनल एस लगाएंगे तो आपका ये रैंक स्ट्रक्चर रहेगा कई बार सीनियर टाइम स्केल में आपको सुपरिंटेंडेंट का भी चार्ज रहता है तो उसमें आपको फिर इस प्रकार का रैंक स्ट्रक्चर रहेगा जो आपको मैंने अभी मार्क करके दिखाया है उसके बाद में जूनियर टाइम स्केल है वो एक्चुअल में आई ऑफिसर के लिए लोएस्ट पोस्ट है उसकी स्टार्टिंग बेसिकली इसी पोस्ट से होती है जूनियर टाइम स्केल में यू कैन सी द पे स्केल ऑल्सो कितना पे स्केल है प्लस इसमें डी और अदर अलाउंसेज रहते हैं तो ये जनरली असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ए एस पी बोलते हैं जनरली जो फर्स्ट पोस्टिंग आई की होती है वो ए लेवल से ही स्टार्ट होती है अभी इसके नीचे आई कुड हैव शोन कूड है इसमें ए एस पी जो फर्स्ट पोस्टिंग होती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग उसमें जैसे तीन स्टार्स रहते हैं तो एक्चुअल में जब आई पी एस स्टार्ट करता है ट्रेनिंग में जैसे वो हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी में ज्वाइन करता है तो एक्चुअल में उसको वही आई का मार्क रहेगा और एक सिंगल स्टार उसमें रहता है ट्रेनिंग के टाइम में फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टू ईयर्स ट्रेनिंग अगर उसको रेगुलर चार्ज नहीं मिला है ए एस पी की किसी पोस्ट का जो जनरली डिस्ट्रिक्ट के अंडर जो सब डिविजन्स रहती है नॉर्मली तीन चार सब डिविजन्स रहती है तो उसका इंचार्ज का अगर उसको चार्ज नहीं मिला है और उसकी अगर सर्विस दो साल के ऊपर होगी तो देन ही कैन यूज टू स्टार्स और जैसे ही उसको फुल चार्ज मिल जाता है एज असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस फ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग उसको एस डी पी ओ बोलते हैं सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर कई स्टेट्स में और कई स्टेट में उसको सर्कल ऑफिसर भी बोला जाता है तो जैसे ही उसको एज ए एस पी उसको रेगुलर सब डिविजन या कुछ स्टेट में जैसे सर्कल बोलते हैं उसका चार्ज मिल जाता है देन ही पुट्स ऑन दिस टाइप ऑफ बेजेज ऑफ रैंक्स तो ये बेसिकली फ्रेंड्स डिटेल्स थी अबाउट द रैंक स्ट्रक्चर ऑफ आई पी एस किस प्रकार की उनको पोस्टिंग मिलती है किस प्रकार से आईपीएस का लीगल बैकग्राउंड है किस लीगल बेसिस पे रादर किस कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे उनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है ये फ्रेंड्स बेसिक डिटेल्स नाउ लेट अस गो ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो दैट इज द ट्रेनिंग पार्टी आई पी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कैसे होती है क्या होती है लेट मी टेल यू एट द आउटसेट इट देखिए मैं आपको शुरुआत में ये बता दूं कि आईपीएस की जो ट्रेनिंग है बिकॉज आई हैव बीन टू वेरियस नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स मैंने कई नेशनल इंस्टीट्यूट्स में या तो ट्रेनिंग के लिए गया हूं या पिछले कई सालों से मैं वहां पर लेक्चर देने के लिए भी जाता रहता हूं काफी सारी इंस्टीट्यूट्स में गया हूं जो नेशनल इंपॉर्टेंस की है मैं आपको एक बात एकदम क्लियरली एट द आउटसेट बोल सकता हूं कि आईपीएस की जो ट्रेनिंग जो नेशनल पुलिस अकेडमी में होती है उसके बराबर की ट्रेनिंग मुझे आज तक कहीं नहीं दिखी आई कैन एम्पेटिकली से दिस इज द बेस्ट ट्रेनिंग विच कैन बी इम्पार्ट टू एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस लेवल की ट्रेनिंग कहीं मुझे आज तक ने देखी वर्ल्ड स्टैंडर्ड से भी अगर हम देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग इन द वर्ल्ड और सेकेंडली एन पी ए नेशनल पुलिस अकेडमी अगर आपको कभी चांस मिलेगा वहां पर जाने का अगर आप यू पी एस सी के सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होते हैं आई पी एस के रूप में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे मैंने कुछ सैंपल के रूप में कुछ फोटोज भी यहाँ पर एनक्लोज की हुई हैं जस्ट एज ए सैंपल सभी बिल्डिंग्स का सभी प्लेसेस का फोटो लगाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि आई हैव ट्राइड टू यूज ओनली दोज फोटो जो मेरे खुद के मोबाइल फोन या कैमरे से निकली हुई हैं आई ट्राई टू अवॉइड यूजिंग फोटोज फ्रॉम द इंटरनेट बारिंग टू थ्री एक्सेप्शन लेकिन अगर आपको कभी चांस मिलता है एनपीए में जाने का तो यू विल एग्री विद मी इन फ्यूचर वेन एवर यू हैपन टू गो देयर कि देखिए नेशनल पुलिस एकेडमी इज़ पर बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री आप किसी भी अकेडमी पर जाइए मैंने तो काफ़ी सारी अकेडमी देखी हुई हैं आई कैन से विद लोट ऑफ प्राइड कि जहाँ पर मैंने ट्रेनिंग ली हुई है वो एक्चुअल में वन ऑफ द बेस्ट बोलने की बजाय इवन पर द बेस्ट भी उसको बोल सकते उसमें जिस प्रकार की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वहाँ की क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है और जिस प्रकार की प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपको मिलती है आई कैन से आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी है वो एकदम चेंज हो जाती है जब आप आई में सेलेक्ट होके जाते हैं तो देखिए उस समय की आपकी पर्सनैलिटी लेकिन जब आप वहां से ट्रेनिंग करके निकलेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी पर्सनैलिटी एकदम बदल जाती है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको थ्योरेटिकल ट्रेनिंग नहीं मिलती है सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिलती है आपको इतनी प्रकार की यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी जो आपको मैं ब्रीफ में थोड़ा डिटेल्स बताऊंगा कि आपको लाइफ में जो चीज़ आपने ज़िंदगी में कभी नहीं की होगी उस चीज़ उन चीज़ों की भी आपको इतनी अच्छी से ट्रेनिंग मिलेगी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी मैं बता रहा हूं आपकी पर्सनैलिटी एकदम ओवरहॉल हो जाएगी एकदम आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी आप में कॉन्फिडेंस का लेवल आप में डिसिप्लिन का लेवल और ये सारी क्वालिटीज़ जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ ये आपको अच्छे से वहां पर आपको सिखाई जाएंगी और आपको सीखने को मिलेगी वहाँ का एनवायरमेंट ही इतना अच्छा आपको मिलेगा कि आपको लगेगा भी आपकी पर्सनैलिटी अपने आप ही आप में एक चेंज आता है तो जैसे ही आप दो साल की ट्रेनिंग पूरी करते हैं तो एकदम आप में चेंज आता है तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको जो बोलना चाहता हूँ कि देखिए आई की जो ट्रेनिंग नेशनल पुलिस अकेडमी में तथा जो दूसरे जो उनके अटैचमेंट्स वगैरह होते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा तो वो सारे अटैचमेंट्स का सारी प्रकार की ट्रेनिंग जो दी जाती है किसी आईपीएस ऑफिसर को जिसका मेजर पोर्शन तो नेशनल पुलिस एकेडमी में ही रहता है हैदराबाद में तो अगर आप उसका टोटल सब निकालेंगे तो डेफिनेटली आई कैन से नॉट ओनली वन ऑफ द बेस्ट पर द बेस्ट ट्रेनिंग और मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी बताना चाहता हूँ फ्यू ईयर्स बैक कुछ साल पहले एक यंग पर्सन मेरे पास आए उनका सिलेक्शन हुआ था आईपीएस में बट ही वॉज इन टू माइंड्स कि ज्वाइन करें या नहीं करें क्योंकि ही वॉज इन टू माइंड्स कि उनको एक्चुअल में सॉफ्टवेयर की फील्ड में भी उनको प्राइवेट कंपनी से उनको काफ़ी बड़ा ऑफर मिला हुआ था तो उनको लग रहा था कि अगर उन्होंने आई पी एस ज्वाइन भी कर लिया अगर तो हो सकता है तीन चार साल में हो सकता है वो छोड़ कर के वापिस क्योंकि एक्चुअली में उनको किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने ऑफ़र दिया हुआ था तो उन्होंने मेरे से एडवाइस मांगी कि क्या करूँ शुड आई ज्वाइन आई पी एस तो मैंने उनको एक बात बोली कि देखिए अगर आप वहां पर जाकर आप ज्वाइन करते हैं अगर आपने सर्विस में कंटिन्यू किया नथिंग लाइक दैट और कल को अगर आपने वापस तीन चार साल के बाद छोड़ करके अगर आपने सॉफ्टवेयर कंपनी में भी ज्वाइन कर लिया तो आप इतना याद रखिए कि जो ट्रेनिंग वहां पर आपको मिलेगी वो ट्रेनिंग आप किसी भी फील्ड में बाद में कहीं भी जाकर जॉब करेंगे किसी प्रकार की भी जॉब करेंगे वो ट्रेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कम से कम आप उसको लीजिए उस ट्रेनिंग के बाद में आपको लगेगा कि आप एज ए पर्सन यू आर कंप्लीटली चेंज्ड मैंने उसको वही एडवाइस की थी और वो पर्सन बाद में ही ज्वाइंट ऑल्सो एंड इंसिडेंटली अभी तक तो वो सर्विस में ही है उनको आज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक सात आठ साल पहले की बात थी दिस इज़ वाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ की ट्रेनिंग इतनी हाई क्वालिटी की है और आपका इतना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है आपका प्रोफेशनलिज्म आपका कॉम्पिटेंस लेवल आपका कॉन्फिडेंस का लेवल इतना बढ़ जाता है कि ट्रेनिंग की काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसलिए बेसिकली मैं इस ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सिखाया जाता है उसके ब्रीफ डिटेल्स आई विल ट्राई टू प्रोवाइड इन दिस वीडियो अभी देखिए आपके जो कमेंट्स आएंगे अगर कोई रेलेवेंट कमेंट रहता है तो मैं वीडियो बीच में रोक करके भी आपके कमेंट्स का आंसर दूंगा अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड है अगर मान लीजिए कोई आपकी एडिशनल क्वेरीज है जो मैंने कवर नहीं की आईपीएस के बारे में या आईपीएस की ट्रेनिंग के बारे में तो व्हाट आई विल डू इज मैं उनको ये वीडियो पूरा करने के बाद में आई ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी आईपीएस के बारे में ट्रेनिंग के बारे में या जो भी रिलेटेड आईपीएस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं तो so इमीडिएटली मैं आपकी जो अनकनेक्टेड क्वेरीज है राइट right नाव ला लेते हुए बाद में लूंगा मैं आपकी तो फ्रेंड्स देखिए अभी आपके सामने नेशनल पुलिस अकेडमी का जो इंसिग्निया है वो आपके सामने है और इसका जो मोटो है वो देखिए सत्यम सेवा तो बेसिकली ट्रुथ सर्विस एंड सिक्योरिटी तो ये इसका बेसिकली मोटो uh, है सरदार तो वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी का तो फ्रेंड्स नाउ इस ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो ट्रेनिंग नेशनल पुलिस एकेडमी द्वारा आईपीएस ऑफिसर्स को दी जाती है देखिए सबसे पहले तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है देखिए आईपीएस ऑफिसर इंडियन पुलिस के टॉप लीडर्स हैं तो इंडियन पुलिस के लिए टॉप लीडर्स को क्रिएट करना जो हमारे यहाँ की जो अच्छी पुलिस फोर्सेज है उनको लीड कर सके लीड बाई एग्जाम्पल और उनको प्रॉपरली लीड कर सके उनके अंदर प्रॉपर डिसिप्लिन कॉन्फिडेंस उनकी एफिशिएंसी उनकी इफेक्टिवनेस उसको प्रोपरली हैंडल कर सके तो बेसिकली टू प्रिपेयर लीडर्स ऑफ द इंडियन पुलिस और जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया इंडियन पुलिस में यहाँ पर स्टेट पुलिस भी आ जाती है जिसमें सिटी पुलिस होगी डिस्ट्रिक्ट पुलिस होगी एंटी करप्शन ब्यूरो सीआईडी सब विंग्स आ जाती हैं। उसी प्रकार से सेंट्रल में भी काफी पुलिस फोर्सेस दो प्रकार के बेसिकली आते हैं एक तो बोलते है, CPOs, और दूसरा होता सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जैसे सीएपीएफ में क्या क्या आता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीआरपीएफ है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आई टीबीपी है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस सशस्त्र सीमा बल एस एस बी फिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है तो इस प्रकार से सी ए पी एफ में एक्चुअल में सात फोर्सेज मानी जाती हैं लेकिन एक जो फोर्स है सी ए पी एफ में आसाम राइफल्स उसमें बेसिकली आ, आर्मी के ऑफिसर्स रहते हैं लेकिन जो बाकी जो छः फोर्सेज है एक शायद मैं छोड़ गया था सी एस एफ एक वो भी है टोटल इस प्रकार से छः सी एस सी एफ सी ए पी एफ में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में जनरली जो सीनियर मोस्ट पोस्ट होती है वो आई ऑफिसर को दी जाती है और उसमें नीचे के रैंक में भी रहते हैं और सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आई बी सी बीपीआरडी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन आती हैं इसके भी टॉप रैंक डेफिनेटली आईपीएस के पास हैं और इवन नीचे के रैंक है उसमें भी कई आईपीएस ऑफिसर्स एम्प्लॉयड किए जाते हैं तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि इंडियन पुलिस वेदर इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हो या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हो उनकी लीडर्स तैयार करना ये बेसिकली काम है जो करेज के साथ अपराइटनेस इंटीग्रिटी के साथ डेडिकेशन के साथ और लोगों को सर्विस देने के ऑब्जेक्टिव से एक पुलिस फोर्सेस को लीडरशिप प्रोवाइड करें ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है और उनमें सर्टेन वैल्यू सिस्टम इनकल्केट करना इंक्लूडिंग जैसे एक तो इंटीग्रिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ये एनपीए का मेन ऑब्जेक्टिव है उसके बाद में लोगों की जो एस्पिरेशंस है देखिए पुलिस का वर्क क्या है सोसाइटी में सिक्योरिटी मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना क्राइम का प्रिवेंशन करना अगर कोई क्राइम हो जाता है तो उसको डिटेक्ट करना देखिए आई एम जनरली फोन्ड ऑफ सेइंग वन थिंग क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को आप में से लगता होगा कि भाई नहीं फिर भी क्राइम तो होता है लॉ एंड ऑर्डर फिर भी होता है लेकिन आप एक बात याद रखिए विद जनरली आई एम फोन ऑफ सेंग देखिए क्या होता है अगर आप किसी चीज का इंपोर्टेंस देखना चाहते हैं तो आप उसको कैसे देखेंगे दो मेथड है एक तो यह है कि उसका इंपॉर्टेंस उसके बीइंग में होता है मतलब वो है इसलिए उसका इंपॉर्टेंट है एक होता है उसका इंपॉर्टेंस उसके नॉन बीइंग में मान लीजिए अगर वो चीज नहीं होती फिर क्या होता तो आप ऐसे सोचिए कि मान लीजिए अगर सोसाइटी में पुलिस नहीं होती फिर क्या होता फिर देखिए कितनी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स होती कितने क्राइम ज्यादा हो सकते थे तो कई बार क्या होता है कोई चीज़ अगर हमारे को मिल जाती है इजिली या हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहती है तो हम जनरली उसकी वैल्यू पहचान नहीं सकते हैं लेकिन यदि वही चीज़ हमसे छिन जाती है तो फिर हमें क्या होता है उसकी वैल्यू रिकॉग्नाइज होती है तो इसलिए मैं जनरली कई बार ये बोलता हूँ कि पुलिस का जो इंपॉर्टेंस है वो उसके बीइंग में तो है ही लेकिन उसके नॉन बीइंग में है अगर नहीं हो तो क्या होगा उस सिचुएशन को अगर आप विजुअलाइज करते हैं फिर आप उसकी इंपॉर्टेंस को सही जान सकते हैं तो इसलिए सेंसिटिव सेंसिटिविटी टू द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल लोगों की क्या एस्पिरीशंस है लोगों का क्या है पुलिस से उसके बारे में एक प्रॉपर वैल्यू सिस्टम इनकलकेट करना ट्रेनिंग के दौरान ये एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, है नेशनल पुलिस एकेडमी की दे ट्राई टू डू दैट उसके बाद में ह्यूमन राइट्स के प्रति रिस्पेक्ट और हमारा जो लॉ सिस्टम है लीगल सिस्टम है और जस्टिस इनको इनको लिबरली इंटरप्रेट करते हुए इनको वाइडली प्रॉपरली इनको इंप्लीमेंट करना फिर जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया प्रोफेशनलिज्म का हाईएस्ट स्टैंडर्ड ट्रेनिंग इतने हाई स्टैंडर्ड की है कि आप एज ए प्रोफेशनल यू गेट ऑल द इक्विपमेंट्स जो जो आपको सीखना चाहिए वो सब आपको सिखाया जाता है एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो देखिए आपका मेंटल अलर्टनेस क्योंकि ट्रेनिंग इस प्रकार से होती है कि आपको एकदम अलर्ट रह के आपको काम करना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी फायरिंग प्रैक्टिस होगी हैंड ग्रेनेड फेंकने की प्रैक्टिस होगी एक्सप्लोजिव की प्रैक्टिस होगी कई बार आपको जैसे क्रोलिंग आपको मड के अंदर से आपको क्रोलिंग कराया जाएगा तो ऊपर से आपके ऊपर फार फायरिंग भी चल रहा होगा आपको नीचे से क्रोल करके जाना पड़ेगा तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा अलर्ट नहीं रहेंगे तो कल को एक आधी बार लाइफ का भी लॉस हो सकता है एंड सेम थिंग अप्लाईज वेन यू आर इन सर्विस जब आप एक्चुअल में आईपीएस में सर्विस में हैं उस समय भी कई बार ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं कि आपकी लाइफ को भी रिस्क हो सकता है एज एन आई ऑफिसर क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर को डील कर, कर रहे हैं तो इनफैक्ट मैंने खुद भी टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोगों का जैसे उनके लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज मैंने की हुई उनके असेंबलीज को मैंने रेगुलेट किया हुआ इनफैक्ट इवन मोर देन वन लैक लो टाइप के क्राउड का भी नॉर्मल गैदरिंग तो कई बार लाखों में होती है लेकिन ऐसे गैदरिंग जिसमें लो एंड ऑर्डर का रिस्क था ऐसे भी मैंने एक एक लाख के भी मैंने क्राउड को देखा हुआ उनको फेस किया हुआ जिसमें कभी भी आपकी जान भी जा सकती है और कई बार मेरे पे अटैक्स भी हुए आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल मैं अपनी पर्सनल स्टोरी में जाना नहीं चाहूंगा बट वट आई एम ट्राइंग टू से इज आपकी मेंटल अलर्टनेस को इसके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जा जा जाता है आपको उसके बारे में काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है और सबसे ज़्यादा आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग वहाँ मिलती है आप जब वहाँ जाते हैं और जब वहां से वापस आएंगे अगर आप थोड़ा सा भी ओवर होंगे तो आपका वेट आराम से वहां पर कम हो जाएगा एंड विल बिकम वेरी फिट फिजिकली तो ये फ्रेंड्स है मेन ऑब्जेक्टिव्स आपको आ, पूरा लीगल नॉलेज देना आपको फिजिकल फिटनेस के बारे में पूरा आपको ट्रेनिंग देना फिजिकल फिट बनाना आपकी मेंटल अलर्टनेस बनाना इंटीग्रिटी प्रोफेशनलिज्म ये सारी क्वालिटीज आपने इनकलकेट करना उसके बाद फ्रेंड्स नव लेटर्स कम टू आईपीएस की ट्रेनिंग के बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं? देखिए जो बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है एज एन आईपीएस ऑफिसर सबसे पहले आपको एक फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है आई एम सॉरी एक्चुअली में इसमें कोर्ट लिखा हुआ है दिस शुड बे फाउंडेशन कोर्स तो एक फाउंडेशन कोर्स होता है एफ तो ये जनरली लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में होता है जहां पर आई ऑफिसर की फुल रेगुलर ट्रेनिंग भी वहीं होती है लेकिन वहां पर जितनी भी सिविल सर्विसेज है ग्रुप ए की क्लास वन की उनके सभी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भी नॉर्मली मसूरी की नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ही होती है ये अप्रोक्सीमेटली साढ़े तीन महीने का कोर्स रहता है आजकल क्योंकि ऑफिसर्स का नंबर काफी बढ़ गया है बाकी सर्विसेज को मिला करके जैसे आई है इंडियन फॉरन सर्विस है इनकम टैक्स है कस्टम्स है तो इसलिए आजकल जो फाउंडेशन कोर्स है वो या तो मसूरी में हो सकता है या फिर दो तीन दूसरे भी सेंटर से कई बार हैदराबाद एनपीए में भी होता है या भोपाल में भी होता है ऐसे कई और सेंटर पर भी ऑफिसर्स को डिवाइड करके किया जाता है इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है फाउंडेशन कोर्स का वो क्या है फ्रेंड्स देखिए एडमिनिस्ट्रेशन हमारा एक क्लोजली नीट यूनिट होता है कल को जब आप फील्ड में पोस्टिंग करते हैं तो एज एन आईपीएस ऑफिसर आपको आई ऑफिसर के साथ भी आपको लायजन रखना पड़ेगा इनकम टैक्स अथॉरिटी से भी आपका लायजन होगा या बाकी जो भी सर्विसेज़ हैं उनके क्लोज कोऑर्डिनेशन में आपको काम करना पड़ेगा तो इसलिए जनरली क्या होता है अगर फाउंडेशन कोर्स में सभी सर्विसेज के लोग साढ़े तीन महीने के अप्रोक्सीमेट पीरियड में अगर इकट्ठे काम करते हैं मिलजुल कर काम करते हैं तो उसमें एक्चुअल में उनकी विलेज विजिट भी होती है इसी दौरान और एक उनको हिमालय पे ट्रैकिंग के लिए भी भेजा जाता है तो उसमें एक टीम स्प्रिट आती है तो बाद में जब उनकी फील्ड पोस्टिंग होती है तो उनको आपस में एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करके क्लोज कोऑर्डिनेशन में सब डिपार्टमेंट मिलकर कैसे काम करें उसकी थोड़ा स्पीड अच्छे से डेवलप होती है तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है फाउंडेशन कोर्स का देखिए उसके बाद में फिर जो सेकेंड मेन कंपोनेंट है देखिए इनफैक्ट जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो है बेसिक कोर्स तो बेसिक कोर्स जो होता है वो जैसे मैंने आपको पहले बताया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में होता है तो ये एक्चुअली में दो फेजेज में होता है फर्स्ट फेज में अप्रोक्सीमेटली टेन मंथ्स के लिए इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकते हैं अप्रोक्सीमेटली टेन मंथ्स के लिए पहले हैदराबाद में आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है एज ए पार्ट ऑफ द बेसिक कोर्स उसके बाद में फिर सिक्स मंथ्स की आपकी डिस्ट्रिक्ट की ट्रेनिंग होती है ये मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा बाद में तो राइट नाउ आई एम जस्ट कवरिंग द थिंग्स एट द आउटसेट उसका ब्रॉड आउटलाइन आपको बता रहा हूँ और फिर अप्रोक्सीमेटली स्टेट में जाकर के जो स्टेट आपको एलोकेट हुई है कैडर के, के रूप में फॉर एग्जाम्पल आई वॉज एलोकेटेड द महाराष्ट्र कैडर तो महाराष्ट्र में वहां की एक डिस्ट्रिक्ट में और बाकी जगह पर जो ट्रेनिंग होती है वो आप अप्रोक्सीमेटली सिक्स मंथ के लिए करते हैं फिर उसके बाद में अगेन आई एम सॉरी एक्चुअली दिस इज फेज टू आई एम सॉरी फॉर दू थ्री टाइपिंग मिस्टेक्स ये भी कोर्स था एक्चुअल में कोर्स uh, ओके okay. तो फिर उसके बाद में आप फेज टू की ट्रेनिंग के लिए वापिस एनपीए में जाते हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली थ्री मंथ होती है फिर यहां से पासिंग आउट परेड होती है मतलब आप अगर आपने सब एग्जामिनेशन वाला पास कर लिए तो उसके बाद में यू आर नाउ एलिजिबल टू बी पोस्टेड एज रेगुलर ए एस पी ऑफ अब डिविजन जो भी आपको स्टेट मिली होती है वहां पर आपको पोस्टिंग दी जाती है तो वो पासिंग आउट परेड होती है उसमें जनरली कोई सीनियर डिग्नेटरी चीफ गेस्ट के लिए बुलाया जाता है फॉर एग्जाम्पल वेन आई पास आउट एटी फाइव से एटी सेवन ट्रेनिंग करने के बाद में उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर राजीव गांधी ही केम एज द चीफ गेस्ट फॉर आवर पासिंग आउट तो इस प्रकार से नॉर्मली काफी हाई लेवल के चीफ किसी गेस्ट के रूप में किसी डिग्नेटरी को बुलाया जाता है तो फ्रेंड्स देन आई मूव टू द नाव यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज ए रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग इन द नेशनल पुलिस अकेडमी जैसे मैंने आपको बोला था कुछ इमेजेस मैं बीच में कुछ फोटोग्राफ्स बीच में डाल रहा हूँ जस्ट टू गिव ए फील ऑफ द अकेडमी हालांकि ऑल बिल्डिंग्स आई कांट कवर देर मे बी अप्रोक्सीमेटली फोर्टी फिफ्टी बिल्डिंग्स सबको कवर करना पॉसिबल नहीं है और सबका अच्छा आर्किटेक्चर और काफ़ी अच्छे स्टाइल से बिल्डिंग्स बनाई गई हैं तो यू दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वहाँ का एनवायरमेंट काफ़ी अच्छा है नेशनल पुलिस एकेडमी का तो फ्रेंड्स अभी जो अभी मैंने आपको बताया ये बेसिक क्या क्या कोर्सेज हैं तो मसूरी में ट्रेनिंग है फाउंडेशन कोर्स की उसके बाद में फिर NPA में दो फेजेज हैं फेज वन फेज टू फिर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग है उसके अलावा देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आईपीएस ऑफिसर्स की करीब दो साल की ट्रेनिंग के दौरान आईपीएस ऑफिसर्स को काफी अटैचमेंट्स करवाए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ देखिए फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो मेरे दृष्टि में है वो देखिए अटैचमेंट विद आर्मी तो ये एक अटैचमेंट विद आर्मी आपको इवन उनके ब्रिगेड लेवल से लेकर के ब्रिगेड लेवल फिर उनके बटालियन कंपनी लेवल आपको बेसिकली कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा इवन ड्यूरिंग माई टाइम जब मैंने ट्रेनिंग किया था तो देखिए आपको एक फॉरवर्ड पोस्ट पर ले जाया जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल वेन आई वॉज ट्रेन अप्रोक्सीमेटली एटी सिक्स के दौरान एटी फाइव से एटी सेवन मैंने ट्रेनिंग किया था तो नाइनटीन एटी सिक्स में वी वेंट टू पूछ राजौरी सेक्टर इन जी एंड के तो वहां पर चार पांच फॉरवर्ड पोस्ट पर हम गए थे जो कि हिमालय पर काफी हाइट पर भी हैं और आप देखिए कि क्योंकि जब हम गए थे तो उस समय देखिए को इंसिडेंटली पाकिस्तान और इंडिया के बीच में काफी फायरिंग के इंसिडेंट काफी हो रहे थे उस समय की बात बता रहा हूँ इवन हमें भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला कि किस प्रकार की डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में आर्मी के हमारे ऑफिसर्स और जवान अपनी ड्यूटी नेशन के लिए कर रहे हैं तो आपको एकदम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला इनफैक्ट हमने भी कुछ फायरिंग करने का हमें भी कुछ चांस मिला और इनफैक्ट हमने पाकिस्तान के बॉर्डर को जस्ट लग करके जस्ट ए फ्यू मीटर्स हीय एंड देयर हम वहां तक पेट्रोलिंग पे भी गए इवन नाइट टाइम में भी गए तो आपको बॉर्डर पर किस प्रकार का एनवायरमेंट है किन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेज में एकदम हाई लेवल के माउंटेंस पे हाई ऑल्टीट्यूड पे हमारे आर्मी के जवान और ऑफिसर्स काम करते हैं जबकि लगातार फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से चलती रहती है जिसमें से कई बार हमारे ऑफिसर तथा जवान शहीद भी हो जाते हैं तो उसके बारे में एक आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है तो आपको फिर एक प्राइड महसूस होता है गर्व महसूस होता है कि किस प्रकार से आर्मी हमारे देश की रक्षा कर रही है तो बेसिकली उसका एक आपको जो फील मिलता है वो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहता है और दोज जो आर्मी में सर्विस नहीं कर रहे हैं जो आर्मी में सर्विस करते हैं नेचुरली उनका तो रेगुलर uh, ड्यूटी ही है कि पूरा नेशन के लिए अपने जान को अपनी uh, बलिदान करना या अपनी पूरी लाइफ को ही नेशन के लिए दे देना लेकिन जो लोग आर्मी में नहीं है उनके लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि किस प्रकार से आर्मी काम कर रही है हमारे देश के लिए उसी प्रकार से देखिए एक अटैचमेंट होता है सीआरपीएफ के साथ जनरली फॉर एग्जाम्पल या तो जे में हो सकता है या कहीं और हो सकता है कि इंटरनल सिक्योरिटीज की ड्यूटी में सी किस प्रकार से ड्यूटी कर रही है किस प्रकार से इंटरनल सिक्योरिटी में सी हेल्प करती है या किस प्रकार से वो टेरोरिज से फेस कर रही है या और प्रकार के जो सीरियस थ्रेट्स है मिलिटेंसी की प्रॉब्लम है एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम है उनसे कैसे डील कर रही है उनके साथ में भी अटैच होता है अटैचमेंट होता है फिर देखिए एक आई का अटैचमेंट होता है मसूरी के पास में उनकी एकेडमी है आई की तो वहां पर बेसिकली रॉक क्लाइंबिंग का कोर्स सिखाया जाता है काफी आपको एकदम स्टीप रॉक्स के ऊपर कैसे आप चढ़ सकते हैं या दूसरे और भी कई रॉक क्लाइंबिंग के कई एक्टिविटी रहती है उसके बारे में डिटेल में ट्रेनिंग दी जाती है तथा कई दूसरे भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स वाला है उनकी भी ट्रेनिंग दी जाती है इनफैक्ट एक बी अटैचमेंट होता है जो ऋषिकेश के बाजू में वहाँ पर भी कई प्रकार के जो वाटर स्पोर्ट्स हैं उसके बारे में बेसिक आइडिया दिया जाता है उसके बारे में कुछ ट्रेनिंग दी जाती है उस अटैचमेंट में भी फिर देखिए एक सी एच डब्ल्यू टी है सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स ये बी एस एफ की एक अकेडमी एक है नाम इसका हालांकि स्कूल है तो काफ़ी एडवांस लेवल का स्कूल है ये तो वहाँ पर वेपन्स एडवांस लेवल के वेपन्स के बारे में ट्रेनिंग मिलती है और टैक्टिक्स फील्ड टैक्टिक्स फील्ड में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बताता हूँ कल को मान लीजिए आप किसी एनकाउंटर में हैं टेररिस्ट के साथ आपका एनकाउंटर चल रहा है या मान लीजिए किसी जगह कोई टेररिस्ट घुस गए उनको आपको बाहर निकालना है तो किस प्रकार की टैक्टिक्स लगाई जाएगी या बेसिक आइडिया आई एम गिविंग कि सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स तो इसके बारे में काफी चीजें आपको सिखाई जा, सिखाई जाती हैं इनफैक्ट इस ट्रेनिंग के दौरान काफी हाई लेवल के जो बड़े आर्म सेमिनेशन है उसके बारे में भी ट्रेनिंग दी जाती है इवन मोर्टार्स है और आ, आ, लाइट मशीन गन है या दूसरे जो आ, हाई लेवल के माउंट जो वेपन्स है जो नॉर्मली स्टेट पुलिस यूज नहीं करती है तो उनके पास जनरली रहते भी नहीं हैं उस सब की ट्रेनिंग भी दी जाती है और उनकी फायरिंग की प्रैक्टिस भी दी जाती है उसके बाद में एक बी एस एफ अकेडमी टेकनपुर में है तो यहाँ पर भी काफ़ी ट्रेनिंग मिलती है अटैचमेंट होता है इसमें, इसमें स्पेशली टीआर गैस वाला के बारे में भी जो आंसू गैस के जो लॉ एंड ऑर्डर को डील करने के लिए तो उसके बारे में भी इसमें आ, ट्रेनिंग दी जाती है उसके बाद में नॉर्मली आई की ट्रेनिंग के दौरान आजू बाजू के किसी स्टेट में जब इलेक्शन वाला अगर हो रहा होता है तो वहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली मे बी वन वीक और फ्यू डेज के लिए आई ऑफिसर्स को भेजा जाता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड ताकि वो फर्स्ट हैंड देख सके कि इलेक्शन से कैसे डील किया जाए क्योंकि देखिए इलेक्शंस में जब तक प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होगी तब तक इलेक्शंस को फेयर मैनर में किया नहीं जा सकता है तो उसके लिए सिक्योरिटी का अरेंजमेंट काफी जरूरी है और क्योंकि आईपीएस ऑफिसर ही बाद में पूरी सिक्योरिटी के इंटरनल सिक्योरिटी के इंचार्ज रहने वाले हैं उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उसका दिया जाता है सिमिलरली ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई बड़ा फेस्टिवल आ रहा है कोई बड़ा लो एंड ऑर्डर का इशू आ रहा है या फिर कोई क्राउड मैनेजमेंट का कोई बड़ी असेंबली हो रही है तो जनरली वहाँ पर भी फर्स्ट हैंड उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाता है कि किस प्रकार से लो एंड ऑर्डर को हैंडल किया जाता है फिर एक इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है जंगल वारफेयर के बारे में आपने शायद नाम सुना होगा ग्रे हाउंस का ग्रे हाउंस बेसिकली आ, अभी तो तेलंगाना में आ गया पहले जैसे आंध्र प्रदेश कंबाइंड स्टेट थी तो तेलंगाना में जैसे नेक्सलाइट की प्रॉब्लम्स थी तो उसको डील करने के लिए जो एंटी नेक्सलाइड फोर्सेज थी उनको बेसिकली ग्रे हाउंस बोला जाता था तो इनके इनके साथ में भी ट्रेनिंग आईपीएस प्रोबेशनर्स को दी जाती है तो उनको जंगल में तीन चार दिन पाँच दिन के लिए एकदम इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाता है उनके ग्रुप्स को और जंगल में ही उनको रहना होता है वहीं जंगल में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं रात को दिन को तीन चार दिन तक तो उनको एकदम फर्स्ट हैंड फीलिंग मिल जाती है कि किस प्रकार से जंगल में आप सर्वाइव कर सकते हैं और क्या डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ती है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है भारत दर्शन का जिसमें काफ़ी लोग इंटरेस्टेड भी रहते हैं तो जनरली ग्रुप्स की फॉर्म में ऑफ़िसर्स uh, को डिफरेंट रीजन्स में भेजा जाता है भारत दर्शन के लिए यानी कि बेसिकली uh, जैसे जनरली पाँच छः एरिया चुने जाएंगे आपकी खुद की चॉइस के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल आप कौन सी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं या कौन सा कैडर आपको एलोकेट हुआ है तो जनरली ज़्यादातर ऑफिसर्स क्या कोशिश करते हैं कि जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो एरिया छोड़ देते हैं या फिर जिस स्टेट में उनको जाके सर्विस करनी है जो उनका कैडर है उसको छोड़ करके किसी नए एरिया को जाके देखने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल वेन आई वॉज इन दीरियड आई वेंट टू द ईस्टर्न रीजन जिसमें सिक्किम वेस्ट बेंगाल उड़ीसा और बिहार उस समय बिहार वाजे कम्बाई स्टेट झारखंड बिहार और उड़ीसा इन स्टेट्स में हमारा मार्गदर्शन हुआ था तो इसमें आपको चांस मिलता है कि डिफरेंट स्टेट पुलिस वहां पर आपको विजिट करने का भी मौका मिलता है कि डिफरेंट स्टेट पुलिस किस प्रकार से

नंबर मैंने शायद गलत बता दिया होगा बट अप्रोक्सीमेटली आई एम रिमेमरी इस रेंज में कहीं तो भी था नाथुला पास तो वी वेंट टू दैट एरिया एंड एकदम चाइना पोस्ट के बाजू में हम गए थे एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ सिमिलरली ट्रैफिक का भी अटैचमेंट होता है ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जाता है और आजकल एक नया जो काफ़ी सालों से शुरू किया गया है जो आईपीएस ऑफिसर्स के लिए अच्छा एक्सपीरियंस होता है वो है एक फॉरेन पुलिस का अटैचमेंट ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग में ही हो जाता है आपके दो साल की जो इनिशियल ट्रेनिंग है तो जनरली सेवन डेज के लिए आपको किसी फॉरेन कंट्री में भेजा जाता है जो मोस्टली इजराइल में होता है मोस्टली बट डिपेंड करता है किसी दूसरी कंट्री में भी भेजा जा सकता है एज पर द अरेंजमेंट्स जो भी उस समय पॉसिबल होते हैं तो अप्रोक्सीमेटली सात दिन के लिए आपको चांस मिलता है देखने का कि किस प्रकार से दूसरी देश की जो पुलिस फोर्सेज है वो कैसे वर्क कर रही हैं तो वहाँ के अगर कुछ अच्छे सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं देन यू कैन ट्राई टू इंट्रोड्यूस दोंगस इन यूर ओन वर्किंग जूरिस्ट्रिक्शन ऑल्सो और देखिए उसके बाद में एक विजिट होती है ड्यूरिंग द दे ट्रेनिंग दिल्ली जिस में जिसमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस तथा जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आई बी सी बी आई वगैरह है या बी एस एफ है सी आर पी एफ है जिनके हेडक्वार्टर्स वहां है तो वहां पर विजिट करवाई जाती है और टॉप फंक्शनरी से भी जनरली उनकी मीटिंग करवाई जाती है फॉर एग्जाम्पल जैसे आईपीएस uh, ऑफिसर जो ट्रेनिंग में दे में कॉल ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनसे जनरली उनकी मीटिंग करवाई जाती है ताकि वहां से भी उनको ब्लेसिंग्स मिले या कुछ उनको वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट मिले उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट अटैचमेंट जनरली होता है जो पार्लियामेंट्री अटैचमेंट होता है अप्रोक्सीमेटली वन वीक का रहता है ये भी तो ये ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज एंड ट्रेनिंग बीपीएसटी बोलते हैं इसको तो पार्लियामेंट से अटैच बिल्डिंग में इनका ऑफिस है और इनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही है तो वहां पर भी अप्रोक्सीमेटली फ्यू डेज का ट्रेनिंग रहता है जिसमें आपको पार्लियामेंट के अंदर ले भी गैलरी में एक्चुअल प्रोसीडिंग्स भी पार्लियामेंट दिखाई जाती है यदि उस पीरियड में जब आपका अटैचमेंट होता है अगर पार्लियामेंट सेशन में चल रही है तो आपको लाइव पार्लियामेंट की मीटिंग भी दिखाई जाती है उसके बाद देखिए जो लास्ट दो महीने लिखे हैं ये एक्चुअल में मसूरी की ट्रेनिंग का पार्ट है फाउंडेशन कोर्स में तो एक विलेज विजिट होती है जो सात आठ दिन के लिए तो क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग में आते हैं वो एक्चुअल में सिटी बैकग्राउंड से होते हैं और हमारा देखिए जैसे देश है हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो विलेजेस में है तो विलेजेस में क्या प्रॉब्लम्स है उनको फर्स्ट हैंड फीलिंग देने के लिए काफी सारे जो ऑफिसर्स है ट्रेनिंग में आते हैं तो विलेजेस से ही होते हैं लेकिन काफी ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो सिटी बेस्ड होते हैं उनका सिटी में ही बर्थ हुआ सिटी में ही रहे तो उनको विलेज विजिट में जब सात आठ दिन रहते हैं तो उनको आइडिया आता है भी किस प्रकार से विलेज का एन्वायरमेंट है उनकी क्या प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सोल्व किया जाता है तो थोड़ा फर्स्ट हैंड एक्सपोजर देने के लिए होता है उसी प्रकार से काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग एक आ, ये भी मसूरी विजिट के दौरान ही होता है हिमालयन ट्रैकिंग हमारे टाइम में आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली शायद टू वीक्स के लिए था तो हिमालय के किसी हाइट पर डिपेंडिंग अपॉन आपका स्टेमिना किस प्रकार का है मतलब कैंडिडेट्स की चॉइस भी ली जाती है लेकिन ज़्यादा हाइट पे कैंडिडेट कौन सा जा सकता है या उसमें मतलब पंद्रह बीस टाइप की ट्रैकिंग के अलग अलग रूट्स हैं तो किसी को किसी रूट में भेजा जाता है किसी को किसी रूट में और हर रूट के ऊपर पंद्रह बीस लोगों का ग्रुप बनता है फॉर एग्जाम्पल आई हैड गोन टू मिलाम ग्लेशियर ड्यूरिंग माई तो ये यूपी की पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है अब तो आई थिंक शायद उत्तरा उत्तराखंड में चला गया होगा तो एकदम जैसे ये चाइना बॉर्डर के पास में है तो वहां पर मिलाम ग्लेशियर काफी हाइट पर है तो वहां पर I went along with about 15 other officers from different services. देखिए सूरज जी ने पूछा है हाउ मेनी डेज ऑफिसर्स गो फॉर भारत दर्शन देखिए जनरली 15 डेज के आसपास रहता है अप्रोक्सीमेटली 15 डेज के आसपास रहता है भारत दर्शन ओके okay फ्रेंड्स तो ये आपको बेसिक डिटेल्स बताइए अटैचमेंट्स कहां कहाँ रहते हैं इसके अलावा कुछ और भी अटैचमेंट्स हो सकते हैं लेकिन मेन मेन जो अटैचमेंट्स होते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कोर्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिफरेंट आर्म के साथ स्पेशली विद द आर्मी उसका मैंने आपको बेसिक डिटेल दिया है फ्रेंड्स उसके बाद देखिए नाउ लेटर्स कम टू द एन पी ए ट्रेनिंग नेशनल पुलिस अकेडमी में आपको किस किस बात की ट्रेनिंग दी जाती है देखिए वहां पर बेसिकली आपको दो टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है एक तो है इनडोर ट्रेनिंग जो मतलब क्लासरूम में आपको ट्रेनिंग दी जाती है हालांकि इनडोर सब्जेक्ट्स में जो ट्रेनिंग है वो क्लासरूम में भी हो सकती है और प्रैक्टिकल सीनियरों में भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपको आ, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी आपको सिखाई जा रही है या मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन सिखाया जा रहा है तो एक्चुअल में क्राइम सीन क्रिएट किए जाते हैं जैसे मान लीजिए ऐसा एक डमी मर्डर का सीन क्रिएट होगा तो वहां से आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या क्या क्लूज मिल सकते हैं उस केस को आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं वो आपको दिखाया जाएगा राइट right कंट्रोल कैसे किया जाता है उसके डमी पूरा एकदम सीन क्रिएट करके सारा उसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है तो ये सारी बातें भी इस इंडोर सब्जेक्ट में ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली कवर हो जाएंगी तो इंडोर सब्जेक्ट में मैं आपको बेसिकली ब्रीफ में बता देता हूं जैसे इसमें एक्चुअल में फिफ्टीन पेपर्स होते हैं और काफी डिटेल ट्रेनिंग होती है ये देखिए एक तो जैसे क्या है बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू अनदर आई थिंक ओके आई कवर इट जस्ट आफ्टर टू थ्री मिनट्स तो इम्पॉर्टेंट एक आपको मुझे बात बतानी थी देखिए जो इसके जो बेसिक डिटेल्स है पेपर के देखिए पुलिस इन मॉडर्न इंडिया इसमें आपको ऑल सेंट्रल पुलिस फोर्सेस स्टेट पुलिस फोर्स डिस्ट्रिक्ट पुलिस और जितनी भी विंग्स है पुलिस की वो सारी डिटेल्स आपको इसमें प्रोवाइड करते हैं कि किस प्रकार से पुलिस की क्या क्या ड्यूटीज हैं जैसे ट्रैफिक है या दूसरी लॉ एंड ऑर्डर है वो सारी डिटेल्स आपको पुलिस इन मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत इंक्लूडिंग द सेंट्रल पुलिस फोर्सेस उनके बारे में आपको डिटेल्स मिलती है फिर देखिए ये तीन चार जो पेपर्स हैं ये बेसिकली लॉ से रिलेटेड है क्योंकि देखिए पुलिस का वन ऑफ द मेन ड्यूटीज क्या होता है वो देखिए क्राइम को प्रिवेंट करना और क्राइम को डिटेक्ट करना आई एम सॉरी मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम क्राइम को प्रिवेंट करना और क्राइम को डिटेक्ट करना और डिटेक्ट करने का मतलब होता है उसका इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में नेचुरली पुलिस द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसी के आधार पर बाद में कोर्ट में प्रोसिक्यूशन चलता है ट्रायल चलता है जो भी क्रिमिनल होता है अब देखिए अगर पुलिस को लो का नॉलेज नहीं होगा क्योंकि आईपीएस में जिन ऑफिसर्स को लिया जाता है या फिर जो उनसे लोअर रैंक भी है जैसे सब इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर है उन रैंक्स में भी मतलब कोई एलएलबी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है ऐसा नहीं है कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन एल एल बी का होना चाहिए जो कि उनको लॉ के बारे में पहले से ही मालूम होगा तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो आई पी एस में सेलेक्ट होते हैं तो वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं कोई आर्ट्स से हो सकता है कोई इंजीनियरिंग से है कोई आई आई टी से है कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं ऑफकोर्स उसमें से कुछ लोग लॉयर्स भी होते हैं जिन्होंने एल एल बी किया होता है वो भी पॉसिबिलिटी होती है तो इसलिए इंडियन एविडेंस एक्ट इंडियन पिनल कोड और ये बेसिकली एविडेंस के बारे में डिटेल्स है इसमें कोड में कौन सा क्राइम क्या होता है उसकी डेफिनेशन उसमें कितनी पनिशमेंट है वो दिया गया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 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 क्या 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 है क्या है क्या है अरेस्ट का का बेल इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर है पुलिस ऑफिसर्स की क्या पावर्स हैं कोर्ट की क्या पावर्स है मतलब सारा जो ट्रायल का क्या, क्या प्रोसीजर ये सारी बातें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आ जाती हैं तो ये जो लॉज हैं ये आपको पढ़ाए जाते हैं फिर कुछ स्पेशल लॉज हैं कुछ चिल्ड्रन रिलेटेड लॉज हैं जैसे जुवेनाइज लॉ होगा मोटर व्हीकल एक्ट है क्योंकि पुलिस की एक मेन ड्यूटी ट्रैफिक कंट्रोल की भी रहती है करप्शन रिलेटेड एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और भी काफी स्पेशल लॉज हैं उनके बारे में भी ट्रेनिंग दी जाती है फिर एक क्राइम को प्रिवेंट कैसे किया जाए इसके बारे में डिटेल्ड प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है और क्रिमिनोलॉजी यानी कि क्राइम और क्रिमिनल्स के पीछे रीजन्स क्या रहते हैं कोई व्यक्ति क्राइम क्यों करता है सोसाइटी में क्या क्या डिफिकल्टीज आई या क्या क्या रीजन हो सकते हैं उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है किसी क्रिमिनल का बिहेवियर रिफॉर्मेशन कैसे होगा ये सारी चीज़ें क्रिमिनोलॉजी में कवर हो जाती हैं फिर इन्वेस्टिगेशन के दो सेपरेट पेपर हैं क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया इन्वेस्टिगेशन पुलिस का एक मेन वर्क है देखिए हमारी कंट्री में अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बताता हूँ देखिए अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी लैख सिक्स जीरो सिक्सटी लैख केसेज रजिस्टर्ड होते हैं अंडर द आई पी सी इट सेल्फ इंडियन पिनल कोड जो कि मेन एक्ट है क्रिमिनल ऑफेंसेस के बारे में आजकल और भी काफी सारे एक्ट हैं जिसमें ऑफेंसेस डिक्लेयर हो गए हैं तो देखिए अकेले आईपीसी में ही हमारे देश में अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी सिक्सटी इस रेंज में लैक्स में इतने केसेज रजिस्टर होते हैं तो इन सब का इन्वेस्टिगेशन करने की जो ड्यूटी है आई है दूसरे एक्ट में भी ऑफेंसेज होंगे दैट इज सेपरेट तो उन सब में इन्वेस्टिगेशन करके उसका अगर रिजल्ट अगर प्रूफ मिलता है एविडेंस मिलता है और अगर एक्यूज मिल जाता है पकड़ में आ जाता है तो उसको चार्जशीट करना जिसके ऊपर बाद में कोर्ट द्वारा ट्रायल चलता है वो सारा का सारा जो ड्यूटी है वो पुलिस का है तो इसलिए फिर इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाए उसकी पूरी डिटेल्स एकदम थोड़ा डिटेल प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से वो आई ऑफिसर्स को इनमें दी जाती है और इसमें प्रैक्टिकल भी डिटेल दी जाती है ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया रेगुलर क्राइम सीन्स को क्रिएट किया जाता है जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट है मर्डर का केस हो गया या चोरी का है तो उसमें किस किस प्रकार से क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया जाता है वो आपको डिटेल में बताया जाता है और खास करके देखिए मेन जो एम्फेसिस रहती है वो रहती है देखिए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के ऊपर क्योंकि जैसे आप लोगों ने शायद सुना होगा कि पुलिस के ऊपर कई बार ऐसे एलिगेशन भी लगते हैं कि जैसे थर्ड डिग्री यूज करते हैं या ये है तो देखिए एज फार एज नेशनल पुलिस अकेडमी इज कंसर्न डिटेल में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाए प्रॉपर वे में प्रोफेशनली किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक तरीके से हैंडल किया जाए प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया जाए वो डिटेल में उसका ट्रेनिंग दिया जाता है अब उसके बाद में अगर फील्ड में जाने के बाद अगर कुछ एब्रेशन होते हैं दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि वहां पर इन्वेस्टिगेशन के बारे में काफी थोड़ो और प्रोफेशनल ट्रेनिंग साइंटिफिक वे में किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन किया जाए प्रैक्टिकल सीनियरियोज क्रिएट करके वो सारे मेथड से ट्रेनिंग दी जाती है फिर फ्रेंड्स देखिए फोरेंसिक मेडिसिन क्योंकि देखिए पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो काफी सारे ऑफेंसेस क्या होता है बॉडी ऑफेंसेस कराते हैं जैसे इंडियन पिनल कोड है उसमें मेन अगर हम कैटेगराइजेशन करें तो एक कराते हैं बॉडी ऑफेंसेस और दूसरे कराते हैं प्रॉपर्टी ऑफेंसेस मेन कैटेगराइजेशन है, है ये और भी कुछ छोटी मोटी कैटेगरी हो सकती है आई एम सॉरी प्रॉपर्टी तो प्रपर्टी तो देखिए प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में क्या आएगा चोरी आ गया डकैती आ गया रोबरी आ गया मिस अप्रोपरेशन हो गया चीटिंग हो गया फोर्जरी हो गया ये सारे आ जाएंगे प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में बॉडी ऑफेंसेस में क्या आएगा मर्डर हो गया हर्ट हो गया इवन एक्सीडेंट में किसी को हर्ट हो गया या जैसे मान लीजिए डोरी डेथ टाइप का केस है तो इस टाइप के सारे जो इवन किडनैपिंग वाला जैसे है इवन रेप का है जैसे ये सारे ऑफेंसेस बॉडी ऑफेंसेस में आ जाते हैं अब जिस केस में बॉडी ऑफेंस हुआ होगा किसी को मारपीट हुई है या मान लीजिए मर्डर हो गया अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया इवन रेप हो गया तो उसमें देखिए फोरेंसिक मेडिसिन की काफी जरूरत पड़ती है या फिर फोरेंसिक साइंस की हेल्प की जरूरत पड़ सकती है फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी का मर्डर हो गया तो उसमें पोस्टमार्टम होगा कोई इंजरी है उसका नेचर ऑफ इंजरी कैसा है उसके क्या कोज हो सकते हैं मर्डर हुआ है तो उसका क्या कोज है तो इसके बारे में बेसिक ट्रेनिंग फोरेंसिक मेडिसिन के बारे में दी जाती है फॉरेंसिक साइंस में भी फॉर एग्जाम्पल जैसे आ, अगर हम प्रोपर्टी ऑफेंसिस की बात करें अगर किसी डॉक्यूमेंट की फोर्जरी हुई है फ्रॉड हुआ है तो उसमें हैंडराइटिंग को चेंज किया गया है तो फोर्ज हैंडराइटिंग हैडराइटिंग का डिटेक्शन कैसे होगा डॉक्यूमेंट फोर्जरी किया हुआ है या जेन्यन डॉक्यूमेंट है फिर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए जै किसी केस में कोई आर्म्स को वेपन्स को यूज किया गया है तो उस वेपन्स में से कोई पर्टिकुलर कार्ट्रिज उसी से फायर हुआ जैसे डेड बॉडी के अंदर कई बार मान लीजिए कार्ट्रीज मिल जाता है या स्पोर्ट में मिल जाता है कार्ट्रिज का जो खोखा बोलते हैं जो उसका जो एम्पटी पार्ट बोलते हैं वो मिल जाता है तो वो एम्पटी बाद में अगर उसका रिवॉल्वर या तो हथियार जब्त होता है तो उसके साथ में फोरेंसिक साइंस में उसका कंपैरिजन मैचिंग किया जाता है क्या ये कार्ट्रिज इसी राइफल से या इसी पिस्टल से या रिवॉल्वर से चला था क्या और ऐसी और भी कई चीज़ें हैं फोरेंसिक साइंस में उनकी ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा उसके नॉट ओनली थ्योरी उसको प्रैक्टिकल में भी सिखाया जाता है फॉर एग्जाम्पल जैसे फिंगर है फिंगर को किसी स्पॉट से कैसे पिकअप किया जाए उसी प्रकार से पुराने जमाने में जैसे फुटप्रिंट्स होते थे आजकल तो देखिए फुटप्रिंट का मीनिंग ही खत्म हो गया है विलेजेस में अभी भी थोड़ा बहुत होगा लेकिन सिटीज में तो आजकल फुटप्रिंट आने का कोई सवाल ही नहीं आएगा कोई लेकिन व्हेन आई डिड ट्रेनिंग एट दैट टाइम फुटप्रिंट का भी डिटेल में ट्रेनिंग था एंड आई अंडरस्टैंड कि आजकल भी ट्रेनिंग तो देते हैं हालांकि फुटप्रिंट का आजकल इंपॉर्टेंस इसलिए ख़त्म हो गया है क्योंकि पहले क्या है जो सड़कें इतनी अच्छी होती नहीं थी जो पक्की जो सड़कें वो नहीं होती थी और रेत की कच्चे रहते थे तो अगर आप रेत के ऊपर चलते हैं तो आपके जूते के निशान पड़ जाएंगे आपके अगर नंगे पैर चलते हैं तो आपके पैरों के निशान पड़ जाते थे तो उस ज़माने में फुटप्रिंट का इंपॉर्टेंस था तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी दिखाई जाती हैं फिर देखिए पुलिस का जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्यूटी है पहले जैसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बताया Another, जो वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी है वो देखिए मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर पीस कैसे मेंटेन किया जाए इंटरनल सिक्योरिटी ये सारी ड्यूटी पुलिस की है लो एंड ऑर्डर कभी रायट हो गया अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मीडिया में रोज पढ़ रहे होंगे ट्वेंटी सिक्स जैन को दिल्ली में किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली जा निकाली जाने वाली है तो अब इस ट्रैक्टर रैली मान लीजिए निकलती है तो उसको कैसे डील किया जाएगा उस रैली को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उनको परमिशन नहीं देंगे परमिशन नहीं देने के बाद अगर वो मान लीजिए जबरदस्ती फोर्सफुली सिटी में एंटर होते दिल्ली में उसको कैसे हैंडल किया जाएगा काफ़ी सारे प्रोटेस्ट होते हैं प्रोसेशन होते हैं इवन रिलीजियस प्रोसेशन में भी आजकल क्योंकि हमारी कंट्री में देखिए काफ़ी डिफरेंट कम्यूनिटी जो है हमारा जैसे बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी काफ़ी सारे है हमारे पास काफ़ी सारी कास्ट्स हैं लैंग्वेजेस के डिफ्रेंसेज हैं उसके कारण से कई बार राइट्स होने के चांसेस रहते हैं तो वो सारी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए प्रोफेशनली कैसे एक पुलिस ऑफिसर को ट्रेन किया जाए ये सारे इस पेपर में बेसिकली कवर किया जाता है और इसी से रिलेटेड जो इशू है देखिए वो है इंटरनल सिक्योरिटी का इंटरनल सिक्योरिटी और मेंटेनेंस ऑफ जो लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस क्या होगा इंटरनल सिक्योरिटी बेसिकली सीरियस नेचर के इश्यूज हैं जैसे मान लीजिए मिलिटेंसी है फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है माओइज्म नेक्सलेट्स हैं या कई जगह पे एक्सट्रीमिस्ट है फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में है या जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म का प्रॉब्लम है तो ये बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज है तो इसके बारे में भी काफी डिटेल में ट्रेनिंग होती है फिर क्योंकि देखिए आईपीएस ऑफिसर्स को पुलिस के लीडर के रूप में काम करना पड़ता है दे दे होल्ड टॉप पोर्स इन द पुलिस फोर्सेज ऑल ओवर द कंट्री सेंट्रल पुलिस फोर्सेज एज वेल एज स्टेट की तो पुलिस की लीडरशिप के बारे में उनको काफी डिटेल में ट्रेनिंग दी जाती है तथा स्पेशली मैनेजमेंट की थ्योरीज इनफैक्ट हालांकि पूरा तो नहीं लेकिन काफी चीजें जो किसी एम के इंस्टीट्यूट में सिखाई जाएंगी उसमें कई सारी चीजें आपको यहां पर भी सीखने को मिलेंगी दैट्स वाट आई सेट एट द आउटसाइड कि इस ट्रेनिंग में आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है कि आपका पर्सनैलिटी एकदम चेंज हो जाता है तो ये इसके बारे में डिटेल्स है फिर देखिए ह्यूमन राइट्स एंड एथिक्स क्योंकि जब आप पब्लिक से डीलिंग कर रहे हैं तो नेचुरली आप पब्लिक के साथ में यू हैव टू बी वेरी कल्टियस पब्लिक के साथ आपको प्रॉपर बिहेवियर रखना जरूरी है और पब्लिक के राइट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है पुलिस उन राइट्स के वायलेशन के लिए नहीं है पब्लिक के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है पब्लिक के जो फंडामेंटल राइट्स है उनका प्रोटेक्शन बेसिकली पुलिस की भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ड्यूटी आ जाती है क्योंकि उनकी पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना तो जो स्टेट के ऊपर जो ड्यूटी कास्ट की गई है फॉर एग्जाम्पल लेटर से आर्टिकल ट्वेंटी में कॉन्स्टिट्यूशन के तो उसका जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है वो काफी हद तक पुलिस के ऊपर आता है तो उसके बारे में कैसे आप एथिकली किसी इश्यू को डील कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स को कैसे आप रिस्पेक्ट करेंगे वो सारी और कैसे आप कस्टोडियल इंटेरोगेशन में साइंटिफिक मेथड यूज करेंगे और थर्ड डिग्री या इस प्रकार की जो ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हैं टोर्चर है इनको आप यूज नहीं करेंगे इसके सारे डिटेल में आ, ट्रेनिंग दी जाती है और आजकल क्योंकि देखे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है तो इसके बारे में भी डिटेल में कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स का यूज नेटवर्क वाईफाई और आ, बाकी जैसे इवन जो रेलिवेंट जो भी आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आई है आई में उसके बारे में बेसिक उनको आइडिया दिया जाता है हाउ टू ऑपरेट इंक्लूडिंग बेसिक सॉफ्टवेयर जैसे इवन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्योंकि आपको बाद में वो सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ सकते हैं तो ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग भी दी जाती है तो फ्रेंड्स दिस इज इस... बेसिक अबाउट द इनडोर सब्जेक्ट हालांकि नाम इसका इनडोर है जिसमें ये थियोरिटिकल ट्रेनिंग भी है लेकिन जैसे आपको मैंने बताया उसके एक्चुअल सीन क्रिएट करके उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है लेकिन इसका मेन हेडिंग इनडोर सब्जेक्ट्स है तो फ्रेंड्स जस्ट लेट मी है लुक एट एनी रेलिवेंट कमेंट एट दिस देखिए एक मेडिकल फिटनेस के बारे में क्वेश्चन पूछा है आर डबल जीरो सेवन तो देखिए ये तो डिपेंड करेगा अगर क्योंकि क्या होता है अगर आप आईपीएस के लिए सेलेक्ट होते हैं आपका रैंक के हिसाब से और आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से अगर आपको आईपीएस मिलती है तो उसके लिए क्या होता है एक मेडिकल टेस्ट भी किया जाता है दिल्ली में ही होता है वो तो मेडिकल टेस्ट के जो जो उसके रिक्वायरमेंट्स है मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा कि जब यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जब वैकेंसी निकलती है उसका एक नोटिफिकेशन इशू होता है जैसे तो आप प्लीज उस नोटिफिकेशन को देखिए एक बार उस नोटिफिकेशन में पूरा आपको डिटेल मिलेगा कि आईपीएस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आई के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है फिजिकल फिटनेस का या मेडिकल के लिए और आईपीएस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है तो मोस्ट लाइकली आपको उसका आंसर मिल जाएगा क्योंकि देखिए अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट ए मेडिकल एक्सपर्ट अभी जैसे आप सर्जरी बता रहे हैं और मुझे ऐसे पूरा डिटेल भी मालूम नहीं है तो जनरली मेडिकल फिटनेस के टेस्ट है अगर आप पास कर लेंगे तो ऐसा मुझे जिस तरह से आपने बताया लिगामेंट रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी अब आई डोंट नो मतलब इसमें आपके जो भी मेडिकल टेस्ट होंगे आप उसमें प्रॉपरली फिट हो सकते हैं क्या अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ना तो मुझे आपका नेचर ऑफ पूरा सर्जरी का नॉलेज है और ना ही मेडिकल में मेरा इतना ज़्यादा बड़ा एक्सपर्टीज है कि मैं आपको ऑफ एंड कमेंट में बता सकूँ लेकिन मेरा आपसे यही सजेशन है कि आप प्लीज़ जो सी एस सी का जो नोटिफिकेशन निकलता है उसको प्लीज़ देखिए उसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं जो भी अप्रोप्रिएट है और फिर भी अगर आप उसमें डाउट है अगर आपको हुई अगर तो आप प्लीज़ किसी मेडिकल एक्सपर्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं नोटिफिकेशन के हिसाब से और ये मेरी प्रॉब्लम है तो क्या इसमें मैं फिट होऊंगा या नहीं होऊंगा और एक्चुअली में आजकल आपको इंटरनेट पे भी काफ़ी नॉलेज मिल सकता है कि, कि किस प्रकार की सिचुएशन में आ, सिलेक्शन हो सकता है मेडिकली या नहीं हो सकता है अभी देखिए आयुष त्यागी जी ने भी वही बोला है स्लाइड नोक नी प्रॉब्लम फॉर आईपीएस मेडिकल टेस्ट देखिए इसको देखते तो हैं दिस इज व्हाट आई रिमेम्बर नी के अंदर वो डेफिनेटली चेक किया जाता है अभी उसके कितने स्टैंडर्ड्स तक देखते हैं अनफॉर्चुनेटली uh, क्योंकि मैंने जब पास किया था दैट वॉज अबाउट एटी फोर के आसपास का एटी एग्जाम था मेरा तो आई डोंट रिकलेक्ट नाउ लेकिन इतना मुझे याद है कि नीज हमारे भी चेक हुए थे तो चेक तो करते हैं आप प्लीज नोटिफिकेशन देखिए तो शायद आपको मालूम पड़ेगा देखिए हाइट का जहां तक सवाल है आशीष जी का पूछना है देखिए वो 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट मानी जाती है इतना आपका मिनिमम हाइट होना चाहिए इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द आईपीएस बाकी सर्विस जैसे आई के लिए हाइट का कोई लिमिट नहीं है किसी भी हाइट हो कितनी भी हाइट हो चल सकती है लेकिन आईपीएस के लिए लिमिट है मिनिमम हाइट वन ओके फ्रेंड्स तो ये मैंने बेसिक डिस्कशन किया है इनडोर सब्जेक्ट्स के बारे में इसके बाद आई विल मूव टू द आउटडोर ट्रेनिंग लेकिन उसके पहले जस्ट आपको मैं ब्रीफ में दिखा रहा हूँ देखिए आई हेड क्लिक दिस फोटो लास्ट ईयर आईड वेन देयर इनफैक्ट लास्ट ईयर इसी महीने में जनवरी के महीने में आई वॉज इन नेशनल पुलिस अकेडमी एक्चुअली में हमारा क्योंकि वी बिलोंग टू नाइनटीन एटी फाइव बैच तो वहां पर एक री यूनियन सेमिनार्स भी होते हैं हमारे थर्टी फाइव ईयर कंप्लीट हुए थे तो वहाँ पर दो दिन का सेमिनार होता है कुछ पुलिस रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस किया जाता है तो जनवरी ट्वेंटी में आई आज देर तो उस समय देखिए फोटो लिया हुआ है तो ये वहां का जो मेन परेड ग्राउंड है वहाँ का फोटो है और इसी प्रकार से ये भी उसी का डिफरेंट एंगल से फोटो है यू कैन जस्ट हैव है लुक आपको थोड़ा फील आएगा भी किस प्रकार का है ये देखिए उसी परेड ग्राउंड का एक साइड से एंट्री है जहाँ से जब पासिंग आउट परेड होती है फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे टाइम में उस समय के प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी आए थे तो उस समय हालांकि ये टाइप का गेट नहीं बना हुआ था लेकिन आ, लोकेशन यहीं से थी आजकल थोड़ा उसको अलग ढंग तो से बना दिया गया है तो यहाँ से ऑफिसर्स की एंट्री होती है परेड के रूप में और बाद में जैसे आपको मैंने ग्राउंड दिखाया वहाँ पर पासिंग आउट परेड होल्ड की जाती है और ये एक्चुअल में जहाँ से वी निकलते हैं तो मैंने एक साइड का जस्ट आपको दिखाया है ये ऐसे दो साइड में आ, इस प्रकार के तोप लगा करके थोड़ा वो एंट्री बनाई हुई है फ्रेंड्स नाउ वी कम टू द आउटडोर ट्रेनिंग आउटडोर सब्जेक्ट्स पहला था इंडोर ट्रेनिंग सेकंड है आउटडोर ट्रेनिंग अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडोर के अंदर सिर्फ इंडोर क्लासरूम की ट्रेनिंग नहीं है बल्कि उसमें आउटडोर भी आउटडोर मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी है आउटडोर से यहाँ मतलब बेसिकली फिजिकल फिटनेस टाइप से ज्यादा है या दूसरे जो वेपन्स वगैरह से रिलेटेड ट्रेनिंग है वो बेसिकली आउटडोर सब्जेक्ट्स में आते हैं और आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया भी है अभी फ्रेंड्स नाउ लेट मी टेल यू जो मैं आपको पहले बताना चाह रहा था मैं आपको एक बात बताता हूँ विच मे बी ऑफ इंटरेस्ट टू यू ऑलसो देखिए ट्रेनिंग के दौरान एन में जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का जो शेड्यूल रहता है वो अप्रोक्सीमेटली देखिए आप मॉर्निंग में फोर थर्टी के आसपास आपको उठना पड़ता है वेरी अर्ली मॉर्निंग फोर थर्टी फोर फोर्टी फाइव अप्रोक्सीमेटली वाई बिकॉज फाइव फिफ्टीन के आसपास सुबह आपका फॉल इन होता है जहाँ पर रहते हैं उसके बाद ही बेसिकली फॉल इन करते हैं फॉल इन का मतलब उनको इकट्ठा लाइन्स में प्रॉपर कॉम्बिनेशन में उनको इकट्ठा किया जाता है उसको फॉल इन बोलते हैं पुलिस की लैंग्वेज में या आर्मी की लैंग्वेज में तो सवा पाँच बजे आपको प्रॉपर वहाँ फॉल इन करवाया जाता है अप्रॉक्सीमेट टाइम है आई होप द सेम टाइमिंग इज कंटिन्यूंग राइट नाउ ऑल्सो विच इज़ माई अंडरस्टैंडिंग उसके बाद में फिर आप उस फॉर्मेशन में आप जो परेड ग्राउंड है या जो पी टी कराने के ग्राउंड्स है फिजिकल ट्रेनिंग के ग्राउंड है वहाँ आपको लेके जाएंगे और वहां पर 5:30 पर एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग आपकी एक्चुअल ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है तो आपको 4:30 या 4:45 उठना है मिनिमम आपको 20 30 मिनट्स का गैप इसलिए भी रखना जरूरी है क्योंकि जो जेंटलमैन ऑफिसर्स हैं मतलब जो मेल ऑफिसर्स हैं उनको एवरी शेव करना जरूरी है क्लीन शेवन होना चाहिए जरूरी है ऑफकोर्स कुछ रिलीजन्स में जैसे सिख के लिए वहाँ पर छूट है डेफिनेटली क्योंकि दे कैन हैव देयर बियर्ड और हेयर उनको नेचुरली ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी लेकिन बाकी लोगों के लिए ये कंडीशन लगेगी हिंदूज हैं मुस्लिम्स हैं क्रिश्चन्स हैं उन पर क्लीन शेवन होना उनको जरूरी है अनलेस आपको कोई परमिशन दिया गया हो प्रॉपर अथॉरिटी द्वारा तो आप सुबह उठेंगे थोड़ा बेसिक तैयारी करेंगे शेव करेंगे ड्रेस वाला चेंज करेंगे क्योंकि आपको यूनिफॉर्म में जाना पड़ेगा यूनिफॉर्म भी अलग अलग टाइप की रहती है अगर आपकी परेड का स्टार्टिंग है तो उसकी यूनिफॉर्म आपकी अलग से रहेगी जो रेगुलर यूनिफॉर्म टाइप रहती है और अगर आपका दूसरा फिजिकल टाइप का ट्रेनिंग है पीटी वगैरह का ट्रेनिंग है तो उसके जैसे आपका हाफ पेंट वाला और इस टाइप की टी शर्ट वाला है जो भी बनियान वाला उस टाइप बनियान तो नहीं रहता टी शर्ट बेसिकली रहेगा तो उसमें आपको तैयार होकर जाना पड़ेगा तो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है फाइव से आपका एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा फाइव पे यू आर सपोज टू रिपोर्ट योर अटेंडेंस फिर अप्रोक्सीमेटली टू आवर्स तक ये चलता है सेवन थर्टी तक मॉर्निंग में फिर आपको अप्रोक्सीमेटली डेढ़ घंटे का टाइम मिलता है जिसके दौरान आप क्योंकि आप फिजिकल ट्रेनिंग में एकदम थक जाएंगे पसीना काफी आएगा तो आप उसके बाद में यू विल टेक बाथ और उसके बाद में सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह वहीं आपकी जो मैथ्स होती है जहाँ रहते हैं वहीं पर मिलता है तो नौ बजे से फिर आपकी इनडोर क्लासेस चालू हो जाती है अप्रोक्सीमेटली दिस इज अब थोड़ा हो सकता है टाइमिंग पाँच दस पंद्रह मिनट ऊपर नीचे हो गया होगा दिस इज वाट आई रिमेंबर तो अप्रोक्सीमेली डेढ़ घंटे के अंदर आपको तैयार होना है ब्रेकफास्ट वाला करना है एंड ऑल दीज थिंग्स इतना भी इसमें आपको पंद्रह बीस मिनट थोड़ा आपको टाइम रिलैक्स होने का मिल सकता है फिर नाइन से लेकर के अप्रोक्सीमेटली टू टू थर्टी के आसपास तक आपके इंडोर क्लासेस चलती हैं जैसे मैंने आपको जो सब्जेक्ट्स बताए इंडोर क्लासेज में क्या सब्जेक्ट्स हैं आई विल गो बैक ये सारे इसमें आ जाते हैं इसमें इनफैक्ट एक चीज़ और आई शुड हैव फॉर एग्जांपल आपको कौन सा कैडर मिला है उसके हिसाब से आपको रीजनल लैंग्वेज भी आपको सिखाई जाती है फॉर एग्जाम्पल आई वॉज एलोकेटेड टू महाराष्ट्र और मराठी नेचुरली मेरी मदर टंग नहीं थी बिकॉज आई ओरिजिनली बिलोंग टू राजस्थान तो मेरे को मराठी का भी ट्रेनिंग मिला था वहां पर तो ये भी आपके इंडोर क्लासेज में आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन कौन सी लैंग्वेज कौन से कैडर में आप जा रहे हैं तो फिर देखिए नाइन ओ से लेकर के अप्रोक्सीमेटली टू टू थर्टी के आसपास तक आपको आ, बेसिकली आपको इनडोर क्लासेज आपको अटेंड करनी पड़ेगी फिर उसके बाद में एक दो घंटे का गैप होगा जिसमें आपका लंच होगा या हाफ एन आवर वन आवर तक आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं फिर अगेन इफ आई रिमेंबर करेक्टली आई थिंक मे बी अप्रोक्सीमेटली थ्री थर्टी या फोर के आसपास आपको अगेन आउटडोर ट्रेनिंग होती है जिसमें आपके गेम्स भी हो सकते हैं या पीटी वाला भी हो सकती है और डिफरेंट टाइप की उसमें ट्रेनिंग रहती है फॉर एग्जाम्पल जैसे यूएससी बोलते हैं अन आर्म्ड कॉम्बार्ट जिसमें जुड़ो और कराटे वाला की ट्रेनिंग दी जाती है योगा की ट्रेनिंग हो सकती है तो इसकी ट्रेनिंग जनरली शाम के टाइम में रहती है तो ये ट्रेनिंग होगी या कई बार रेगुलर पीरियड वाला भी रहती है वो डिपेंड करता है फिर तो उसके बाद में आपके गेम्स रहेंगे तो अप्रोक्सी और गेम्स कंपलसरी रहते हैं जैसे इफ आई रिमेंबर करेक्टली मे बी 5:45 से लेकर के 6:30 के आसपास तक इवनिंग में आपके गेम्स वगैरह चलेंगे उसके बाद में आपका जो डेली रूटीन है ट्रेनिंग का वो खत्म होता है तो डिनर है कई बार लेकिन उसमें भी आपके नाइट एक्सरसाइजे रहती हैं कई बार आपके दूसरे कल्चरल इवेंट्स है, दूसरे रहते हैं दूसरे फंक्शंस रहते हैं क्योंकि आप में जब लीडरशिप क्वालिटीज देने का ये प्रोविजन रहेगा तो डेफिनेटली उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको एडिशनल सिखाई जाती हैं तो सिक्स थर्टी के बाद का मतलब ये नहीं कि आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे उसमें भी काफी सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं तो कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पर जो आपका शेड्यूल रहेगा वो जनरली काफ़ी बिजी रहता है और दूसरी मेन चीज क्या है क्योंकि जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है वो इतनी हाई स्टैंडर्ड की रहती है कि आप एकदम थक जाएंगे यूल यूल फील टायर्ड स्पेशली इन द बिगनिंग आफ्टर फिर एक दो महीने के बाद धीरे धीरे आपका स्टेमिना डेवलप होना शुरू हो जाता है तो फिर उसके बाद नेचुरली धीरे धीरे आपको थोड़ा कम्फर्ट महसूस होगा तो ये फ्रेंड्स बेसिक डिटेल जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि शेड्यूल किस प्रकार okay, आ, का रहता है ओके अभी देखिए वेट का एज पर एज आई थिंक शायद वेट का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है इसमें कोई एज पर रिमेंबर लेकिन नोटिफिकेशन uh, में आई थिंक इट वुड हैव मेंशन लेकिन मुझे ऐसा याद आ रहा है शायद वेट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई मैक्सिमम वेट का भी शायद नहीं है एज yes, पर इज आई रिमेम्बर देखिए इफ ऑफ कोर्स। जब यहां पर स्विमिंग का आउटडोर सब्जेक्ट लिखा है तो हर चीज की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी जब आप एनपीए में एंटर करते हैं तो जैसे देखिए डायमंड बोला जाता है ना एक होता है रो डायमंड कच्चा डायमंड मतलब जो अभी पत्थर की तरह के शेप का है तो जब आप एंटर करते हैं एनपीए में आप ये मानिए कि आपको कुछ नहीं आता है आपको इंडोर सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं लॉ नहीं आता है पुलिसिंग के बारे में कुछ पता नहीं है सिमिलरली फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में भी ये जो भी यहाँ ट्रेनिंग होगी आपको कुछ नहीं मालूम है ये आप प्रज्यूम करके चलिए तो आपको हर चीज़ वहां पर डिटेल में सिखाई जाएगी एंड वन मोर थिंग विच आई मे पॉइंट आउट देखिए एनपीए में जो ट्रेनिंग देने वाले रहते हैं उसमें ऑफिसर्स रैंक भी होते हैं और डिफरेंट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज जैसे बी एस एफ है सी आर पी एफ है या दूसरी जो भी आई टी बी पी है तो वहां के जो बेस्ट कोचिज रहेंगे पूरे इंडिया से वो लोग जनरली एनपीए में लिए जाते हैं कहने का मतलब वो जो आपके जो कोच रहते हैं उनको जनरली वहाँ पर उस्ताद बोला जाता है उस्ताद मीन्स यू कैन से टीचर तो वो इतने हाई स्टैंडर्ड रहता है उनका फिजिकल फिटनेस का मुझे याद है हमारे टाइम में जैसे जो उस्ताद थे तो वो जनरली 35, 40 की एज में भी थे लेकिन आई एम टेलिंग यू जो 20 साल का 22 साल का यंग पर्सन होगा उससे 10 गुना बेटर उनका फिटनेस होगा वेरी फिट पर्सन तो आपको इतना अच्छा ट्रेनिंग देते हैं वो लोग कि आप अगर कुछ भी नहीं जानते होंगे इन सब चीजों के बारे में तो आपको फुल ट्रेनिंग वहां पर मिलेगी एंड यू विल लर्न एवरीथिंग देयर ऑफकोर्स स्विमिंग जैसी चीज़ है तो स्विमिंग के लिए नॉर्मली आपको अलग से एक्सपर्ट्स भी वहां पर होंगे उसमें भी आपको दी जाएगी अनाम कॉमार्ट के लिए हमारे हमारे टाइम में आईटीबीपी के कोचेज आए थे उन्होंने हमें ट्रेनिंग दिया था आज हो सकता है वो लोग दे रहे होंगे या कोई दूसरे एक्सपर्ट्स बुलाते हैं सिमिलरली योगा हर चीज़ आपको सिखाई जाती है फॉर एग्जाम्पल योगा में करीब करीब आप देखिए अप्रोक्सीमेटली थर्टी टू थर्टी फाइव आसन जैसे हम उसको आसन बोलते हैं तो थर्टी से थर्टी फाइव डिफरेंट टाइप के आसन जिसमें अलग अलग पोजिशन है कोई सिटिंग पोजिशन है कोई स्टैंडिंग में है मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन के आपको करीब करीब सभी आसन जो मेन मेन है सारे कवर हो जाते हैं उसी तरह से फिजिकल फिटनेस मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन में दिखाऊंगा उसमें क्या क्या एक्टिविटीज है क्योंकि नाम है एक छोटा सा दिखता है फिजिकल फिटनेस हमें लगता है ठीक है एक्सरसाइज कर लिया खत्म हो गया लेकिन यू विल भी सरप्राइज टू नो कि वहां पर इसकी कम से कम पचास सात टाइप्स की शायद मे बी हंड्रेड टाइप्स भी हो सकता है क्योंकि इवन जैसे पीटी होती है उसमें ही कम से कम इफ आई रिम्बर करेक्टली उसमें इतने डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज थी मे बी थर्टी थर्टी फाइव टाइप्स उसी में तो ही निकल जाएंगे फिर दूसरे टाइप की फिजिकल फिटनेस के कई प्रकार के एक्टिविटीज़ होती हैं तो टोटल हो सकता है सिक्सटी सेवेंटी में भी हंड्रेड तक भी जा सकता है बट डेफिनेटली फोर्टी फिफ्टी तो पक्का है उसमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होती है डोंट गो बाई ए सिंगल नेम की फिजिकल फिटनेस इसमें काफ़ी टाइप के रहते हैं और जैसे ड्रिल है इसका भी मैं आपको ब्रीफ में डिटेल बताऊंगा तो आई राइट नाउ आई विल स्कीप इट योगा में आपको मैंने बताया अनाथ कमांड में आपको जूडो कराटे इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और स्विमिंग में देखिए मैं आपको अभी उसका एक फोटो भी दिखाऊंगा तो एन पी ए में एक्चुअल में ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल है जो ओलंपिक्स गेम्स में यूज होता है एग्जैक्ट उसी स्टैंडर्ड का उसी स्टाइल uh, का वहाँ पर स्विमिंग पूल बना हुआ जो अच्छे लेवल का है अगर आप वहाँ पर एक्चुअल में मैंने जो आपको फोटो दिखाया उसमें थोड़ा इतना क्लियर नहीं दिखेगा आई जस्ट टेक यू टू दैट फोटोग्राफ लेकिन जो मैंने बाकी फोटोग्राफ दिखाए थे क्योंकि उसमें कुछ लोगों की भी फोटो आ रही थी तो प्राइवेसी इशू के कारण से मैं आपको वो नहीं दिखा रहा हूँ आप देखेंगे पानी आपको पता ही नहीं लगेगा उसमें पानी है इतना क्लियर वाटर आपको वहाँ पर दिखेगा मतलब अच्छे हाई लेवल का स्विम आपको एनवायरमेंट दिखेगा और उसकी ट्रेनिंग भी आपको अच्छे एक्सपर्ट्स द्वारा दी जाएगी अगर आपको स्विमिंग नहीं भी आती होगी तो यू विल डेफिनेटली लर्न इट फिर ये फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिस जैसे आपको मैंने बताया कोई टेररिस्ट का प्रॉब्लम आ गया या आप कहीं जंगल में जा रहे हैं तो आपको फील्ड क्राफ्ट कैसे डील करना या वो सारी डिटेल आपको फील्ड में कैसे फील्ड का यहाँ पर मतलब एक्चुअली में बेसिकली जैसे पुलिस स्टेशन की फील्ड से कम मीनिंग है बेसिक जो आप ऑपरेशंस जैसे कंडक्ट करते हैं कोई तो नेक्सलेट के अगेंस्ट में हो सकता है टेरिस्ट के अगेंस्ट में हो सकता है या दूसरे टाइप के भी ऑफकोर्स रेगुलर ऑपरेशन भी आ सकती हैं तो सारा डिटेल्स आपको देते हैं मैप रीडिंग है इंक्लूडिंग जीपीएस जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से है वो भी आपको पूरा डिटेल दिया जाता है फिर तो देखिए इक्विटेशन यानी कि हॉर्स राइडिंग तो ये देखिए आज के जमाने में आपको मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में इवन सिटीज में तो खैर आपको हॉर्सेस बहुत ही कम दिखेंगे जो बड़ी सिटीज हैं लेकिन रूरल एरियाज में भी आजकल आपको हॉर्सेस जनरली देखने को कम मिलते हैं तो यहाँ पर आपको हॉर्स हॉर्स राइडिंग की आपको डिफरेंट टाइप की हॉर्स राइडिंग में जो ट्रेनिंग होती है आपको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी हॉर्स राइडिंग में भी तो इससे आपका क्या है कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्ड होता है क्योंकि अगर आप हॉर्स को कंट्रोल कर रहे हैं उसके कई कमांड्स रहते हैं हॉर्स को भी चलाने क्योंकि हॉर्स वहाँ पर जो यूज होते हैं तीस पैंतीस हॉर्सेज कम से कम है दिस इज वाट आई रिमेंबर तो हॉर्स को कैसे दौड़ाया जाए कैसे उसको चलाया जाए कैसे उसको जंप कराया जाए उस सब के लिए हॉर्सेज की इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती है कि आप इनडायरेक्टली कमांड बोल सकते हैं उसको मतलब एक सिग्नल रहता है पैर से टच करने का या किस प्रकार से उसको इशारा किया जाए तो हॉर्स फिर उसी प्रकार की एक्टिविटी करता है तो वो सारी ट्रेनिंग उसके बारे में आपको मिलती है इवन इंक्लूडिंग फर्स्ट एड एम्बुलेंस ड्रिल इसके अलावा मैंने लिखा नहीं यहाँ पर लेकिन मोटर व्हीकल का जो ट्रेनिंग है और मोटर व्हीकल में सिर्फ मोटर मतलब उसका एंजिन वाला है उसको आपको बेसिकली खोल के दिखाएंगे क्या क्या मेन पार्ट्स हैं ताकि कल को अगर मान लीजिए आप किसी पुलिस ड्यूटी में है आप ट्रेनिंग के बाद में कभी आपकी गाड़ी फंस गई किसी क्रिमिनल एरिया में लॉ एंड ऑर्डर के एरिया में अगर गाड़ी फंस गई गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इंजन कहाँ पर है कौन सी चीज़ क्या है उसका बेसिक आइडिया दिया जाता है प्लस ऑफकोर्स जिन लोगों को ड्राइविंग नहीं आता है उनको ड्राइविंग भी सिखाई जाती है इनफैक्ट आई ज्वाइंट मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी तो मैंने वहाँ पर एन के जीप में ही मेरा बेसिक ड्राइविंग मैंने सीखा था और बाद में आई ज्वाइंट महाराष्ट्र फिर वहाँ पर मैंने लर्नर लाइसेंस ले, ले करके और आ, मैंने अपना रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस लिया था तो ड्राइविंग की भी आपको फुल ट्रेनिंग आपको मिलती है कहने का मतलब आपको हर आर्ट में आपको एक्सपर्ट किया जाता है ओके आपका दूसरा कोई कमेंट जो है हाइट फिक्स है सर हाइट मैंने आपको बता दिया 165 मिनिमम चाहिए मैक्सिमम तो ऑफ कोर्स मोर इज बेटर ओके फ्रेंड्स देन लेट इन फैक्ट स्क्रीन पे यू कैन सी आई अवॉइडेड माय पर्सनल डिटेल्स लेकिन दिस इज माय फोटोग्राफ व्हेन आई ज्वाइंट नेशनल पुलिस अकेडमी तो यू कैन सी ट्रेनिंग के टाइम में यू हैव वन स्टार तो ये मेरी उस समय की फोटो है अप्रोक्सीमेटली आसपास की यू कैन सी यर्स प्लस अप्रॉक्सीमेटली तो ये देखिए उस समय जूलियो रिबेरो का आपने नाम सुना होगा ही वॉज पुलिस कमिश्नर ऑफ बॉम्बे एट दैट टाइम एट द टाइम ऑफ आवर पासिंग आउट parade, ही हैड कम देयर तो ये यू कैन बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू रिकोगनाइज मी फ्रॉम माई प्रजेंट फेस एन ओल्ड मैन टू नाइनटीन एटी फाइव एटी सिक्स ये शायद एटी सेवन की फोटो होगी वैन वी पासड आउट फ्रॉम देयर तो मिस्टर जूलियो रिबेरोपोजी सुपर कॉप एंड काफी इनकी हाई रेपुटेशन रही है इनको स्पेशली इनवाइट किया गया था टू मोटिवेट द ट्रेनिंग ऑफिसर्स ये देखिए अभी आपको कुछ मैं आपको जस्ट uh, फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ थोड़ा सा आपको वहां का एनवायरमेंट का फील देने के लिए तो ये देखिए एक मेमोरियल है एन uh, के अंदर जिसमें जो आई ऑफिसर्स ड्यूटी करते समय शहीद हुए हैं उन सब के नाम भी देखिए आप देख सकते हैं मेरे मार्च के मूवमेंट से उन सब के यहाँ पर नाम भी लिखे जाते हैं तो उनको बेसिकली आ, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहां उसके लिए एक मेमोरियल बनाया गया है तो स्पेशली जो ट्वेंटी अक्टूबर होता है उस समय जैसे आपको मालूम होगा मैंने एक वीडियो में बताया भी था आई थिंक दस दिन पहले तो ट्वेंटी फर्स्ट अक्टूबर को बेसिकली पुलिस को मेमोरेशन डे मनाया जाता है तो वहां पर इसमें एक स्पेशल फंक्शन भी ऑर्गेनाइज किया जाता है ये उसी का एक दूसरा फोटो है थोड़ा डिस्टेंस से है अब देखिए मैं आपको फोटोग्राफ uh, थोड़े आपको और दिखाऊंगा तो देखिए जो अदर एक्टिविटीज़ हैं इनडोर आउटडोर जो मैंने आपको काफ़ी सारी एक्टिविटी बताई उसके अलावा देखिए मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ड्राइविंग की आपको फुल ट्रेनिंग दी जाती है अगर आपको पहले से ड्राइविंग नहीं आती है तो देखिए आज की तारीख में तो क्या है हमारे वन आई गो ट्रेनिंग उस जमाने में गाड़ियां कार्स वग़र काफ़ी कम होती थी तो नेचुरली मेरे पास ड्राइविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन आज की तारीख में जो आदमी पुलिस अकेडमी में जाएगा मान लीजिए ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव की एज में जाता है तो उनमें से काफी लोगों को पहले से ही ड्राइविंग आता होगा क्योंकि आजकल सिटीज में देखेंगे आप मतलब लैक्स की संख्या में गाड़ियाँ हैं तो जनरली लोगों को मालूम रहता है लेकिन अगर किसी को नहीं आती होगी ड्राइविंग तो उसको ड्राइविंग की भी ट्रेनिंग होगा और मोटर का मतलब व्हीकल्स का बेसिक मैकेनिज्म आपको कई लाइसेंस में वो भी डिटेल में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू सिखाया जाता है फिर रॉक क्लाइंबिंग का कोर्स मैंने आपको बताया था शुरू में इवन एकदम स्टीप एकदम जो 90 डिग्री एंगल पे एकदम स्टीप ऐसे ऐसे रोक रहेगी इस प्रकार से उस रॉक पे भी कैसे क्लाइंबिंग किया जाए तो वो आपको उसके बारे में कुछ बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है और डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स के ऊपर भी ट्रेनिंग दी जाती है ये ट्रेनिंग दी जाती है आई के द्वारा मसूरी में बेसिकली उनकी वहाँ पर एकेडमी है फिर देखिए काफ़ी सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जैसे स्कूबा डाइविंग रिवर राफ्टिंग पैरासेलिंग आर्चरी इसकी ट्रेनिंग जनरली ऋषिकेश में दी जाती है आई थिंक वहाँ पर बीएसएफ का शायद सेंटर है तो इसमें भी काफ़ी अच्छी आपको वहाँ पे जो रिवर्स है उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है फिर फील्ड क्राफ्ट एंड टेक्टिक्स एंड मैप रीडिंग मैंने आपको बता दिया जीपीएस फिर अर्बन ऑपरेशन मॉड्यूल जैसे मान लीजिए किसी सिटी में जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई में टेररिस्ट का अटैक हुआ था या दूसरे ऐसे कोई ऑपरेशन करनी पड़ सकती हैं तो उसका भी आपको डिटेल में आपको काफ़ी ऑपरेशनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिखा करके मतलब उसको सीन्स को क्रिएट किया जाता है उस प्रकार से आपको ट्रेनिंग दी जाती है फिर देखिए सबसे एक इंपॉर्टेंट इशू एक्सप्लोजिवस की ट्रेनिंग ये रियल एक्सप्लोजिवस आपको यूज करके ब्लास्ट करके दिखाई जाते हैं एक्चुअल में और आपको भी चांस मिलता है करने का तो देखिए काउंटर ये आईईडी आईईडी का जो फुल फॉर्म होता है वो है इंप्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस ठीक है एक तो होता है जो रेगुलर बॉम्ब रहेगा जैसे आर्मी यूज करती है या आर्म फोर्सेज यूज करते हैं वो तो रेगुलर मैन्युफैक्चर्ड बॉम्ब रहेगा दूसरा होता है कि उसको इम्प्रोवाइज किया जाता है मतलब जैसे टेररिस्ट लोग बढ़ाए उनको कहीं से मटेरियल मिल गया तो घर में बैठ के इकट्ठा कर दिया या उनके कोई अलग से ट्रेनिंग कैंप रहते हैं तो उसको जनरली आई बोला जाता है क्योंकि वो किसी रेगुलर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हुए बॉम्ब्स नहीं है तो उसके बारे में भी डिटेल आपको ट्रेनिंग दी जाती है कैसे बम बनेगा कैसे क्या होगा उसमें क्या क्या चीजें लगेंगी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते हैं एक्चुअल में ब्लास्ट करके दिखाते हैं और उसमें थोड़ा रिस्क भी रहता है लेकिन नेचुरली सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तो डेफिनेटली मेंटेन किए जाते हैं फिर पीबीआई मॉड्यूल मतलब पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन मान लीजिए कहीं पर ब्लास्ट हो गया तो उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा उसके बारे में पूरी ट्रेनिंग रहती है फिर पुलिस ऑपरेशन अलग अलग प्रकार की जो ऑपरेशन पुलिस द्वारा की जाती हैं लॉ एंड ऑर्डर से डील करने के लिए पब्लिक ऑर्डर से डील करने के लिए प्रॉब्लम अगर कोई होती है या इंटरनल सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम्स है जैसे मान लीजिए नेक्सलिज्म का प्रॉब्लम है एक्सट्रीमिज्म का प्रॉब्लम है टेररिज्म का है उसके बारे में डिटेल्स हैं और ये देखिए एक काफ़ी टफ जो पार्ट होता है वह रूट मार्च बेसिकली वहाँ पर चार रूट मार्च होते हैं अलग अलग डिस्टेंसेज के और जो सबसे लंबा रूट मार्च होता है वो होता है फोर्टी किलोमीटर फोर्टी किलोमीटर आपको एट ए स्ट्रेच चल रहा होता है और फोर्टी किलोमीटर ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही जाएंगे जस्ट खाली हाथ उसमें आपके पास में अप्रोक्सीमेटली दस पंद्रह किलो का वजन भी रहेगा एक तो आपके पास में वेपन रहेगा हथियार राइफल वाला रहेगी फिर उसके बाद में आपके पीछे एक बैकपैक रहेगा जिसमें दूसरी भी काफी चीजें होती है तो 10-15 किलो वजन उठा करके आपको 40 किलोमीटर लगातार चलना है और उसके लिए भी कुछ टाइमिंग की लिमिट होती है तो वो आपको वो भी आपको पास करना जरूरी होता है मतलब यू शुड मीट द मिनिमम स्टैंडर्ड जो एक्सपेक्टेड है इतने टाइम में करना पड़ेगा अब आप रस्ते में बैठ रहे हैं या क्या कर रहे हैं दौड़ रहे हैं दैट इज़ अ डिफरेंट इशू लेकिन गिवन टाइम में आपको पूरा करना पड़ता है इस प्रकार के चार डिफरेंट डिस्टेंसेज के लिए जनरली चार बार रूट मार्च किए जाते हैं और कई बार नाइट एक्सरसाइजेज भी की जाती हैं तो ये सारी चीज़ें अदर एक्टिविटीज़ में आती हैं इसके अलावा एक्चुअली में और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं इंक्लूडिंग फॉर एग्जाम्पल कल्चरल एक्टिविटी है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो एक्चुअली में अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा अभी जयेश मीना जी का बोलना है कि कि टच इज अलाउड सर डेफिनेटली इट्स अलाउड इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए कोई ओके देन फ्रेंड्स आई शो यू सम मोर फोटोग्राफ्स जस्ट टू गिव यू फील ये देखिए वहां का आज का काफी मॉडर्न जिम है एकदम अल्ट्रा मॉडर्न है मतलब इसमें वर्ल्ड की बेस्ट फैसिलिटी जो एक जिम में होनी चाहिए वो अवेलेबल है मैं आपको थोड़ी देर में उसके कुछ सैंपल फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगा मैं देखिए ये उसी का जिम का एक डिफरेंट एंगल से फोटोग्राफ है और ये उसका मेन गेट है ये देखिए योगा केंद्र है जहाँ पर योगा के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है अभी देखिए फिजिकल ट्रेनिंग जैसे मैं आपको बता रहा था मैंने जानबूझकर फोटोज बीच बीच में डाली है सारी एक साथ नहीं डाली ताकि आप बोर भी नहीं होंगे हो सकता है आपको लेक्चर थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा तो बोर नहीं होंगे इसलिए मैंने बीच बीच में कुछ पॉइंट्स डाले हैं और कुछ बीच बीच में फोटोग्राफ डाले हैं तो देखिए फिजिकल ट्रेनिंग जैसे मैंने आपको बताया था वो सिंगल हेड में लिखा हुआ था लेकिन उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटी रहती है उसे बेसिकली आपका एंड्योरेंस आप कितनी देर तक लगातार आप हार्ड वर्क कर सकते हैं मतलब चल सकते हैं दौड़ सकते हैं या वो सारी चीज आपको आएगा इंक्लूडिंग क्रॉस कंट्री रन जो जनरली 15-20 किलोमीटर के आसपास का रहता है जैसे हैदराबाद सिटी में ही आपको क्रॉस कंट्री रन आपको कराया जा सकता है एकदम अर्ली मॉर्निंग में उसी के अलावा आपकी स्ट्रेंथ कैसे डेवलप की जाए स्पीड आपकी कैसे रहेगी की ट्रेनिंग ऑप्शेकल कोर्स देखिए इसमें कई तरह के रहते हैं मान लीजिए कई प्रकार की एक्टिविटी पंद्रह बीस टाइप के ऑप्शेकल रहते हैं उसका डिटेल में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है फिजिकल ट्रेनिंग के अंदर असोल्ट कोर्स भी है उसी प्रकार से देखिए पीटी के अंदर और स्ट्रेंथनिंग के एक्सरसाइज है इसमें जैसे आपको बताया मैंने पीटी के अंदर इफ आई रिमम्बर करेक्टली आई थिंक शायद उसके पांच छह मॉड्यूल्स होते थे और हर मॉड्यूल में चार पांच छह एक्सरसाइजेज रहती थी तो अप्रोक्सीमेटली थर्टी फोर्टी के आसपास डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेज है जो डेली करवाई जाती है ऑलमोस्ट डेली या एक दिन छोड़ के होगा वो अलग अलग टाइप का शेड्यूल रहता है तो रोड वॉक एंड रन फिजिकल प्रोफेशनशी टेस्ट फिर असोल्ट कोर्स है फिर फिजिकल ट्रेनिंग के ऑब्स्टेकल्स जैसे मैंने आपको बता दिया फिर वेट की ट्रेनिंग है इसका भी आपको मैं एक फोटोग्राफ दिखाऊंगा वेट लिफ्टिंग का भी ट्रेनिंग रहता है जैसे एरोबिक्स का ट्रेनिंग है फॉरवर्ड रोल वर्टिकल रोल ये बेसिकली जैसे आप ओलंपिक्स गेम्स अगर आपने कभी देखे होंगे एशियाड वाला देखे होंगे तो जिस प्रकार से जैसे जिमनास्ट रहते हैं वो तो कैसे जंप करते हैं उसमें से काफी सारी चीज़ें इसमें भी कवर होती हैं मे नॉट बी ऑल ऑफ दोज एक्टिविटीज जो ओलंपिक्स वाला में यूज होती है लेकिन उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जैसे एक वो टेबल रहता है उसके ऊपर से हाथ लगा के आपको जंप करना उसको लोकल लैंग्वेज में घोड़े के ऊपर हालांकि घोड़ा नहीं होता है लकड़ी का बना होता है एग्जाम्पल तो वॉल बार एक्सरसाइजेस इस प्रकार की मैंने आपको जस्ट एकदम ब्रीफ में बताया है अगर आप उसका एक्चुअल में शायद ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है इसके डिटेल एनपीए की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पर काफी डिटेल्स आपको फुल डिटेल मिल जाएगी कि क्या, चीज, क्या क्या चीज वहां पर आपको सिखाई जाती है यू कैन हैव है लुक देयर इफ यू आर इंटरेस्टेड तो फ्रेंड्स देखिए ये बेसिकली पीटी का ग्राउंड है नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हंड्रेड ऑफिसर्स है ट्रेनिंग में जिसमें एक्चुअल में दस बारह ऑफिसर डिपेंडिंग अपॉन हर साल अलग अलग होता है कुछ फॉरेन पुलिस के भी ऑफिसर्स आते हैं जैसे नेपाल पुलिस है भूटान पुलिस के जो टॉप ऑफिसर्स रहते हैं तो इस प्रकार के कुछ अदर कंट्रीज़ के भी ऑफिसर्स जिनके पास ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं है वो हमारे देश में एम में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं जैसे हमारे साथ भूटान पुलिस के दो टॉप ऑफिसर्स थे उनकी ट्रेनिंग हमारे साथ हुई थी तो इस प्रकार से मान लीजिए अगर हंड्रेड ऑफिसर्स ट्रेनिंग में है तो उसको पांच छह स्क्वाड्स में बदल स्क्वाड्स में उनको स्क्वाड बोलते हैं स्क्वाड बेसिकली मीन अ टीम एक्चुअली तो एक स्क्वाड में पंद्रह सोलह अप्रोक्सीमेटली ऑफिसर्स रहेंगे तो स्क्वाड वाइज उनकी एक्टिविटीज होती है तो ग्राउंड में उनका डिफरेंट पी टी है इवन जैसे ये हॉकी वगैरह के भी काम में आता है ग्राउंड फुटबॉल का भी अलग से ग्राउंड है इनफैक्ट ऑल स्पोर्ट्स ग्राउंड्स वहाँ पर अवेलेबल है ऑल फील्ड गेम्स और इंडोर गेम या जो जैसे टेनिस वाला है बैडमिंटन है एवरी फैसि फैसिलिटीज़ अवेलेबल तो सिमिलरली देखिए स्विमिंग पूल का आ, मैंने सिर्फ एक एंगल से दिखाया है क्योंकि बाकी में कुछ ऐसा मुझे लगा कि कुछ लोगों की फोटोज़ है दे में ऑब्जेक्ट की आपने हमारा प्राइवेसी को वायलेशन करके दिखा दिया तो आई डेंट इंक्लूड दैट तो इट्स अ वेरी हाई आई मीन टॉप लेवल वर्ल्ड लेवल ओलंपिक्स के स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल बना हुआ है काफ़ी लंबा है ये सिर्फ आपको एक छोटे से एंगल से दिखाया है इसमें एट परसन एक साथ स्विमिंग करके उनका कॉम्पिटिशन कराया जा सकता है ये देखिए फ्रेंड्स ये वहां का स्टेडियम है जैसे आप देख सकते हैं इसमें रनिंग ट्रैक्स भी बने हुए हैं बीच में फुटबॉल वाला होता है या दूसरी एक्टिविटीज गेम्स वाला जब एनुअल स्पोर्ट्स होते हैं तो उसकी एक्टिविटीज होते हैं इस साइड में काफ़ी अच्छी सीटिंग कैपेसिटी भी है मैंने जस्ट एक दो फोटोग्राफ दिखाए हैं जैसे देखिए आप ट्रैक का फोटो देख सकते हैं एकदम वेल लेट ट्रैक है तो काफी एडवांस्ड है जैसा आपको प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में मिलेगा उसी प्रकार का आपको सीनेमा देखने को मिलेगा ये देखिए हॉर्स राइडिंग तो इस प्रकार की ऑब्स्टेकल्स हमने भी क्लियर की ये आपको पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है जैसे आपको मैंने बताया हॉर्स को ये पैरों की मूवमेंट से कुछ उसको टच करके अभी एग्जैक्ट कमांड्स तो भी मैं भूल गया उसको फील करा के हॉर्स को भी फुल ट्रेनिंग होती है कि किस प्रकार के किस कहाँ पर जंप करना है कहाँ पर मतलब किस प्रकार की गैलोपिंग करना है ट्रोटिंग करना है अलग अलग टाइप की एक्टिविटी रहती है पूरा ट्रेनिंग मिलता है तो एक इसका टोंक कप फॉर इक्विटेशन भी होता है कप भी एक दिया जाता है जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं कॉम्पिटिशन की तरह से है तो इस तरह की ये तो आपको मैंने सिर्फ एक ऑप्शेकल दिखाई है इससे भी ऊंची ऑप्शेकल भी रहती है कई जगह पर मतलब कई टाइप की ऑस्टेकल जैसे एक ऑस्टेकल आप यहाँ देख सकते हैं इस साइड में तो ऐसे ये भी देखिए ऑप्शेकल्स हैं इन सब के ऊपर क्रॉस करके आपको पूरा उसका जो एग्जाम का पैटर्न रहता है वो आप अल्टीमेटली आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ता है तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है हॉर्स राइडिंग में इसमें भी आपको डिटेल ट्रेनिंग रहती है देखिए अभी जैसे आपको मैंने पीटी को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया वैसे ही ड्रिल में आपको मैं मैं थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल बताता अगर इसकी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा तो इसमें अप्रोक्सीमेटली वन आइटम्स है अगर ड्रिल के बारे में लेकिन मैं आपको जस्ट उसके मेन मेन हेडिंग्स बता रहा हूं एक देश होता है ड्रिल विदाउट आर्म्स तो कुछ दिन विदाउट आर्म्स के साथ ड्रिल करते हैं और कई बार होता है विद आर्म्स विद आर्म्स का मतलब आपके लेफ्ट हैंड में एक राइफल रहेगी वो आपको कंधे पर रख करके आपको डिफरेंट किस प्रकार से उसका सैल्यूट होता है या कैसे राइफल की एक्सरसाइज है वो सारा डिटेल में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और राइफल के साथ आपको दौड़ाया भी जा सकता है जैसे पूरा जो ग्राउंड है जो आपको मैंने परेड ग्राउंड दिखाया था उसका अगर आप पूरा उसको चारों साइड लेंगे तो वन किलोमीटर के आसपास बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली उसमें अगर आपको चार राउंड लगा दिए तो चार किलोमीटर आप लगातार भाग रहे हैं और वो भी राइफल उठा करके उस टाइप के भी आपको एक्सरसाइजेज रहती है आपका एंड्योरेंस आपका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए फिर फ्रेंड्स जैसे लाठी कंट्रोल आई एम सॉरी राइट कंट्रोल मॉड्यूल होता है वो भी ड्रिल में आता है लाठी ड्रिल होती है लाठी के साथ कैसे ड्रिल किया जाए कैसे परेड किया जाए टीयर स्मोक की ड्रिल है राइट कंट्रोल ड्रिल है फिर एक सेरिमोनियल ड्रिल है सेरेमोनीज के ऊपर जैसे अभी रिपब्लिक डे परेड होती है तो एक सेरेमोनी है उसके लिए किस टाइप की ड्रिल लगती है एक सोल्ड की ड्रिल होती है जो कमांडर रहता है वो नॉर्मली एक्चुअल में शोर्ट कैरी करता है बाकी लोगों के पास में जैसे राइफल रहेगी लेकिन आपको पूरी सोल्ट की डील दी जाती है फिर ब्रेस बैंड एंड बगल कास्ट क्योंकि पुलिस देखिए एक आर्म फोर्स है तो इसमें जैसे बिगुल वाला बजाते हैं उसमें कौन सा बिगुल किस टाइप का होगा उसमें क्या एक्शन होगी अलग अलग टाइप की उसकी एक्टिविटी रहती है मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इन ब्रीफ आई एम टेलिंग यू देखिए फ्रेंड्स ये एक दीक्षांत परेड मतलब ये पासिंग आउट परेड इसको बोलते हैं जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो कोई हाई लेवल का डिग्नेटरी जैसे प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर वो जनरली वहां पर जाते हैं पासिंग आउट परेड का स्ल्यूट लेने के लिए हमारे टाइम में राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे वो आए थे तो ये उनका बेसिकली ओथ सेरेमनी की तरह से आप बोल सकते हैं तो इस ग्राउंड में उनका परेड होता है अब देखिए मैं आपको बेसिक बताता हूँ वेपन्स ट्रेनिंग के बाद में बीच में कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ डिटेल्स कॉम्बिनेशन आई ट्राइट तो देखिए वेपन्स के बारे में आपको काफ़ी इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है देखिए इवन नाइन एम एम पिस्टल थर्टी एट बोर का रिवॉल्वर थ्री नोट थ्री राइफल फिर ए के फोर्टी सेवन ग्लोक पिस्टल एस एल आर जो जनरली आर्मी में पहले यूज होती थी आजकल आई थिंक आर्मी को भी शायद उससे भी ज़्यादा एडवांस्ड वेपन दिए जाने की शायद शुरुआत हो चुकी है फिर ये कार्बन मशीन गन होती है नाइन एम एम वाली फिर ये भी एक प्रकार की राइफल है फिर पॉइंट टू टू राइफल जो जनरली स्पोर्ट्स वाला के लिए भी यूज करते हैं फिर ये कॉर्नर शॉट एक्चुअल में स्पेशलाइज वेपन है ये फिर देखिए ये थ्री नॉट थ्री और ये एल एम जी देखिए लाइट मशीन गन है नॉर्मली स्टेट पुलिस के पास एल एम जी नॉर्मली नहीं रहती है एक आधी जगह पर पहले होती होगी लेकिन आजकल एज पर एज आई अंडरस्टैंड जनरली नहीं रहती है होगी भी तो वो पुलिस हेडक्वार्टर्स में डिस्ट्रिक्ट के पुलिस हेडक्वार्टर्स में रहेगी तो एल एम जी थोड़ा सा बड़ा ही टाइप का वेपन है उसकी भी ट्रेनिंग रहती है तो इंसास इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम इंसास का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम इंसास राइफल बोलते हैं पहले आर्मी के जवानों को भी दी जाती थी आजकल आई थिंक उनके पास में कुछ नए टाइप के राइफल्स वगैरह देने का काम शुरू हुआ है ऐसा दिस इज बैट आई अंडरस्टैंड तो इस राइफल की ट्रेनिंग है फिर देखिए स्नाइपर राइफल का भी ट्रेनिंग दिया जाता है जो आप कई बार मूवी वगैरह में देखते होंगे उसके बाद इंसास का राइफल एल उसका भी ट्रेनिंग है फिर मोर्टार का भी देखिए ट्रेनिंग है फिफ्टी वन एम का मोटर्स तो जिसे ग्रेनेड वाला बॉम्ब्स वाला फेंके जा सकते हैं फिर ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर उसका भी ट्रेनिंग है फिर हैंड ग्रेनेड लॉन्चर हैंड ग्रेनेड का भी ट्रेनिंग आपको हाथ से एक्चुअल में भी फेंकना दिखाया जाता है अभी उसमें क्या होता है अगर कभी किसी ने मिस्टेक कर दिया आई रिमेंबर जब हम ट्रेनिंग में थे तो हमसे पाँच छः साल पहले किसी को ऐसा एक्सीडेंट हो भी गया था एक बार आपको अपने हाथ में पकड़ करके हैंड ग्रेनेड को उसका लीवर आपको छोड़ना पड़ता है विद इन फाइव सेकेंड आई रिमेंबर करेक्टली आपको तुरंत उसको फेंकना पड़ता है और अपने से दूर फेंकना पड़ता है अगर आपने अपने नज़दीक फेंक दिया और फेंकने के बाद आपको इमीडिएटली छुपना पड़ता है अगर आपने मिस्टेक कर दिया आप जल्दी से फेंक नहीं पाए और आपने उसका लीवर खींच दिया और या आप ज़्यादा दूर नहीं फेंक पाए या आप तुरंत अपना प्रोटेक्शन के लिए नीचे छुप नहीं पाए या दूर भाग नहीं पाए तो एक्सीडेंट होने का बहुत सीरियस चांस रहता है क्योंकि ये रियल ट्रेनिंग है ये ऐसा मॉक ट्रेनिंग नहीं है एक्चुअल में आपको आपके हर प्रोफेशनल के हाथ से ग्रेनेड फिक जाता है तो इसकी भी ट्रेनिंग रहती है फिर एक्सपोजर टू ये बेसिकली एक रॉकेट लॉन्चर की तरह से है उसको एक्सपोजर है मतलब आपको एक्सप्लेन किया जाता है पर्सनल ट्रेनिंग शायद उनको नहीं दी जाती है तो ये बेसिक है मतलब कहने का मतलब छोटे आर्म से लेकर के क्योंकि मोस्ट ऑफ द ओकेजन जो आई ऑफिसर रहेगा वो जनरली नाइन एम एम पिस्टल या मे बी रिवॉल्वर कैरी करते हैं मोस्ट ऑफ देम लेकिन बाकी सारे वेपन्स का उनको आइडिया होना चाहिए क्योंकि तो कल को हो सकता है उनको इवन सेंट्रल आर्म्स पुलिस फर्सेज में भी लगाया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए जैसे बी के डी जी है एडिशनल डी जी है अब बी तो देखिए रेगुलरली बॉर्डर पर ही एम्प्लॉयड है क्योंकि बॉर्डर पर नॉर्मली क्या होता है पीस टाइम में जो आर्मी रहती है वो थोड़ा पीछे रहती है और फॉरवर्ड पोस्ट पे जनरली बी को लगाया जाएगा अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश का बॉर्डर है चाइना बॉर्डर होगा तो आई लगती है तो वहां पर भी आई ऑफिसर उसको एड करता है तो आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए क्या क्या वेपन सिस्टम है कैसे है, आपको फायरिंग की प्रैक्टिस दी जाती है उसके टेस्ट भी होते हैं उसके कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं तो हर वेपन जो है ऑलमोस्ट सभी वेपन्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक्चुअल में आपसे फायरिंग भी कराया जाता है उन वेपन्स को कैसे डिसअसेंबल किया जाए फिर उनको वापस असेंबल किया जाए कल को मान लीजिए यार आपका वेपन अचानक बंद हो गया आप किसी सीरियस प्रॉब्लम में नेक्स्ट लाइट के साथ या मिलिटेंट्स के साथ आपका कोई एनकाउंटर चल रहा है अचानक आपका वेपन बंद हो गया तो आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उसको कैसे आप इमीडिएटली छोटा तो मोटा जो भी रिपेयर हो आप खुद कर सके उसको डिसअसेंबल करके कहाँ कोई चीज़ फंस गया निकाल करके उसको दोबारा असेंबल कर सके वो सारी ट्रेनिंग आपको मिलती है इंक्लूडिंग फायरिंग प्रैक्टिस एक्चुअल में फायरिंग प्रैक्टिस की तो ये सारी चीज़ इसमें आ जाती है तो ये जैसे मैंने आई थिंक मतलब इसमें से काफ़ी सारी जो ट्रेनिंग है वो सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड ट्रैक्टिस बी का जो स्कूल है इट्स ए वेरी हाई लेवल अकेडमी इंदौर में है एन पी में वहाँ पर इसमें काफ़ी सारी जो बड़े लेवल के जो वेपन्स है वो ट्रेनिंग वहाँ होती है एन में उसको एक्सप्लेन करना उसका सारा ट्रेनिंग मिल जाता है लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल जो उसका यूज है फायरिंग एक्चुअल में करके दिखाना वो जनरली इंदौर में बीएसएफ के सेंटर में रहता है तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने फोटो को थोड़ा सा हाइड कर दिया है जैसे मोटर की फायरिंग आप देख रहे हैं तो ये आ, मैंने उसका फोटो थोड़ा सा जानबूझ के थोड़ा उसको हाइड कर दिया है ताकि किसी का प्राइवेसी का इशू नहीं आए तो देखिए उसके बाद में आउटडोर की कई एडिशनल फैसिलिटीज है जो आपको मैंने कुछ दिखाई कुछ आपको मैं अभी और दिखाऊंगा जैसे जिमनेजियम है फिर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसमें बैडमिंटन टेबल टेनिस इवन बिलियर्ड्स ये सारे वहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल है टेनिस की भी फैसिलिटी है और ऑल स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है जैसे आप देख भी सकते हैं ऑल फील्ड गेम्स है पांच टाइप के फील्ड गेम्स तो एक्चुअली में नेसेसरी भी है वहाँ पर बाइंडिंग है कंपल्सरी है शाम के टाइम में अबाउट फोर्टी फाइव मिनट्स आपको मिनिमम किसी एक फील्ड गेम में खेलना पड़ता है जैसे वॉलीबॉल बास्केटबॉल फुटबॉल हॉकी या हैंडबॉल ये पांच जो है एक्चुअली में फील्ड गेम्स में आते हैं इनमें आपको कंपलसरी है एवरी डे उसके अलावा फिर दूसरे गेम्स है वो आपने अपनी, अपनी इंटरेस्ट से आप काफ़ी सारे लोग होते हैं रात के दस दस बजे तक भी खेलते रहते हैं वो आपकी इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है बैडमिंटन लोन टेनिस स्क्वैश है ये सारी चीज़ों की इवन टेबल टेनिस है वो भी आपको ट्रेनिंग देती है फिर फिजियोथेरेपी का भी सेंटर है स्विमिंग पूल आपका मैंने ऑलरेडी बता दिया स्पा है और फिर योगा का भी मैंने आपको बेसिक डिटेल बता दिया अभी देखिए जैसे ये वेट लिफ्टिंग जैसे मैंने आपको बताया था तो उसके बारे में देखिए डिफरेंट वेट्स का आपको इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है यू कैन जस्ट हैव है लुक एंड देन फ्रेंड्स ये देखिए जो मैंने आपको बताया था जिमनेजियम इसके काफी सारे फोटोग्राफ्स मैंने क्लिक लिए थे कि, और एक्चुअल में काफी बड़ा है इसके मैंने आठ दस फोटो आपको आई जस्ट शो यू इन ए मिनट काफ़ी बड़ा सेंटर है और इसमें एक साथ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स कैन गेट ट्रेनिंग या अपनी एक्सरसाइजेज हैं जिमनेजियम में वो कर सकते हैं और अच्छे लेवल का है काफ़ी मतलब जो लेटेस्ट अप्रेटर्स रहना चाहिए वो सारे इक्विपमेंट यहाँ पर अवेलेबल हैं देखिए यू कैन जस्ट हैव ए लुक ये वही जिमनेजियम के डिफरेंट एंगल से फोटो हैं अलग अलग टाइप के इसमें इक्विपमेंट है हमारे टाइम में इतने ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं थे ये अभी कुछ साल पहले ही शायद बना है हमारे टाइम में भी जिमनेजियम काफ़ी अच्छा था लेकिन इतने ज्यादा एडवांस्ड भी नहीं था अब देखिए जैसे आप अगेन ये आपका रनिंग के लिए बेसिकली जो है अगेन यू कैन हैव अ लुक फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स अगेन यू कैन हैव अ लुक जस्ट बेसिक आई एम आई एम गिविंग सम बेसिक आइडिया अबाउट ऑल दिस फीचर्स इन द जिमनेजियम ये अगेन देखिए जिमनेजियम के डिफरेंट एपरेटर्स हैं ये अगेन सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जिमनेजियम में अगेन सम न्यू टाइप ऑफ ऑपरेटर्स ये भी जिमनेजियम के अलग टाइप के ऑपरेटर्स है जिसमें आप देख सकते हैं इवन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलिंग यूनिट्स वाला भी लगे हुए हैं तो कहने का मतलब क्या है कि इतने हाईली एडवांस ये भी जिमनेजियम का पिक्चर है तो इतने हाई लेवल का अच्छे लेवल का जिमनेजियम है कि जो आपको मतलब टॉप लेवल की ट्रेनिंग आपको वहाँ मिल सकती है ये देखिए दो तीन मैंने एक्स्ट्रा बिल्डिंग्स का मैंने फोटो लिया था एक्चुअल में डिफरेंट टाइप के वहाँ स्टेट गेस्ट हाउसेज हैं मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जैसे तमिलनाडु भवन है राजस्थान हाउस के नाम से है इस प्रकार से करीब करीब सभी स्टेट्स के वहाँ पर अलग से बने हुए और काफी क्लिनलीनेस और अच्छे आर्किटेक्चर के साथ वहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं तो ये जस्ट मैंने दो तीन बिल्डिंग्स की फोटोज आपको मैंने क्लिक करके दिखाई है अभी फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया था ट्रेनिंग के बेसिकली क्या तीन कंपोनेंट्स हैं मेन अबी से फोर कंपोनेंट्स फर्स्ट आपको मैंने बताया था मसूरी का फिर एनपीए का बताया था लेकिन एनपीए में दो फेजेस हैं फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज और फिर आपको मैंने बताया था डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग का जो अभी आई विल कवर क्योंकि ये भी ट्रेनिंग का ही पार्ट है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग मतलब आपकी स्टेट जो आपको एलोकोटी है वहां पर आपको ट्रेनिंग मिलेगी फोर्थ मैंने आपको बताया था अटैचमेंट्स होते हैं काफी सारे आर्मी सीआरपीएफ बीएसएफ वगैरह इस प्रकार से बेसिकली यू कैन से चार टाइप के मेन कंपोनेंट्स हैं अभी नाउ वी आर गोइंग टू कवर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इन ब्रीफ तो जब आप जाते हैं फर्स्ट फेज पूरा करते हैं एनपीए की ट्रेनिंग का जो अप्रोक्सीमेटली टेन मंथ्स का है जब आप वो पूरा कर लेते हैं देन यू गो टू द डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट मतलब जिस स्टेट को एलोकेशन किया गया आपका आपको कैडर जो मिला है जैसे मेरे लिए महाराष्ट्र कैडर था तो यू ज्वाइन द महाराष्ट्र स्टेट फॉर एग्जाम्पल आपको जो भी स्टेट मिलती है वहां पर आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको वहां की जो स्टेट पुलिस एकेडमी है कई जगह स्टेट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज भी बोला जाता है जैसे इस समय महाराष्ट्र में फॉर एग्जाम्पल नासिक में है महाराष्ट्र पुलिस अकेडमी के नाम से उसको जाना जाता है वहां पर आपकी अप्रोक्सीमेटली थ्री टू फोर वीक्स की ट्रेनिंग होती है जिसमें वहां पर आ, उस स्टेट के जो लोकल लोज होंगे जिनको पुलिस को डील करना पड़ता है या लोकल जो भी पुलिस के ऑर्गेनाइजेशन है उनके डिटेल्स आपको तीन चार हफ्ते में आपको डिटेल्स बताई जाती है देन यू विजिट द डीजीपी मतलब जो स्टेट का पुलिस हेडक्वार्टर है जो डीजीपी का ऑफिस है वहां की सारी विंग्स वा के बारे में आपको बेसिक डिटेल्स मिलती है फिर आपका अटैचमेंट होता है एसपी ऑफिस के साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस के साथ वहां पर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस की जितनी भी विंग्स है एडमिनिस्ट्रेशन है एस्टेब्लिशमेंट है या रिक्रूटमेंट है जो जो भी विंग्स रहती है अकाउंट्स विंग है सभी के साथ आपको एक दो दिन एक दो दिन का अटैचमेंट रहता है क्योंकि अल्टीमेटली आईपीएस ऑफिसर्स बेसिकली स्टार्ट करते हैं एज एस पी उनका आई विल नॉट कॉल इट फर्स्ट पोस्टिंग लेकिन क्योंकि जो उनका जो एक्चुअल में फर्स्ट पोस्टिंग तो होता है ए एस पी के रूप में असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लेकिन वो बेसिकली हालांकि उसको ट्रेनिंग में नहीं मानते हैं लेकिन बेसिकली एक प्रकार से वो ट्रेनिंग का ही काम करता है क्योंकि मेनली जैसे आई पी एस ऑफिसर को जो रिक्रूट किया जाता है वो एस पी की पोस्ट के लिए होता है और मैक्सिमम टाइम वो निकालते भी हैं एस पी की पोस्टिंग में दस बारह साल जनरली रहते हैं तो इसलिए एस ऑफिस को कल को उनको काम संभालना है अगर तो दे शुड नो कि उसमें कौन सी ब्रांचेज क्या काम करती है तो उसके बारे में पूरा डिटेल दिया जाता है फिर अटैचमेंट होता है अप्रोक्सीमेटली वन वीक का एस यानी कि डिस्ट्रिक्ट के नीचे जो सब डिविजन है उसका जो इंचार्ज रहता है जो ए भी हो सकता है या फिर स्टेट पुलिस सर्विस का जन, जनरली जिसको डी बोलते हैं डेप्टी एस वो भी हो सकता है उसके साथ अटैचमेंट होता है उसका बेसिक ट्रेनिंग देने के लिए फिर ये जो फिफ्थ कंपोनेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखिए क्योंकि एक मेजर कंपोनेंट है थ्री मंथ्स के लिए फॉर ए पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स आपको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है किसी एक रूरल पुलिस स्टेशन का एज एस एच ओ एस एच ओ मीन्स स्टेशन हाउस ऑफिसर मीन्स यू आर द इंचार्ज ऑफ दैट पुलिस स्टेशन थानेदार की तरह से जैसे हिंदी में उसको थानेदार बोलते हैं तो आपको पुलिस स्टेशन का रेगुलर इंचार्ज बनाया जाता है ये अभी ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग के लिए लेकिन एक्चुअल में आपके पास चार्ज आता है आपको पुलिस स्टेशन को पूरा मैनेज करना पड़ता है उसका इन्वेस्टिगेशन ला ऑर्डर ड्यूटी सब कुछ आपको करना पड़ता है और पहले से वहां पर सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जो उसका इंचार्ज रहता है उसको तीन महीने के लिए कहीं और रिप्लेस कर देते हैं नॉर्मली ताकि आप इंडिपेंडेंटली खुद उसको चला सके क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पुलिसिंग है देखिए वो तो अल्टीमेटली पुलिस स्टेशन से ही होती है अब आईपीएस ऑफिसर्स का जो रिक्रूटमेंट होता है जैसे मैंने बताया दे आर सुपोज टू बी लीडर्स ऑफ द पुलिस फोर्सेज तो बेसिकली पुलिस स्टेशन को चलाना उनका ड्यूटी नहीं है वो मेनली डिस्ट्रिक्ट लेवल से उनका माना जाता है मेन फंक्शन हालांकि ए की पोस्टिंग भी उनकी होती है लेकिन ट्रेनिंग के टाइम में पुलिस स्टेशन का उनको एक्सपीरियंस देना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि पुलिस का सारा फंक्शनिंग अल्टीमेटली पुलिस स्टेशन से ही स्टार्ट होता है तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि पुलिस स्टेशन का काम कैसे किया जाता है तो कल को आप उसको कंट्रोल प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे तो इसलिए थ्री मंथ्स में आप पांच छह इन्वेस्टिगेशन भी कंडक्ट करेंगे जो सीरियस केस है खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आएगी वो भी डील करेंगे वहाँ पर मैन पावर का मैनेजमेंट है या जो भी पुलिस स्टेशन के प्रॉपर ड्यूटीज है ड्यूटीज हैं, वो सारी ड्यूटीज आपको करनी पड़ेंगी। तो ये एक्चुअल में क्योंकि देखिए डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया था सिक्स मंथ्स का टोटल पार्ट है जिसमें ओनली डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इवन स्टेट पुलिस अकेडमी का भी है डी ऑफिस भी है वो सारा मिला के उसका हाफ पार्ट तो बेसिकली यही है पुलिस स्टेशन का चार्ज फिर देखिए अप्रोक्सीमेटली वन वीक के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट के साथ भी अटैच किया जाता है आई होप इट इज कंटिन्यूइंग एंड सिमिलरली पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऑफिस के साथ भी आपको कुछ दिनों के लिए अटैच किया जाता है क्योंकि जो भी केसेस पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है वो अल्टीमेटली प्रोसिक्यूटर द्वारा यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा ही कोर्ट में पेश किए जाते हैं उनका प्रोसिक्यूशन उनके द्वारा चलाया जाता है तो उनका भी अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कि कोर्ट में किस प्रकार से वो केस चलाते हैं उसका आपको बेसिक आइडिया दिया जाता है तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग है और जैसे मैंने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग छह महीने की पूरी करने के बाद वापिस फिर फेज टू ट्रेनिंग के लिए एनपीए में बुलाया जाता है जो अप्रोक्सीमेटली थ्री मंथस की रहती है और इस ट्रेनिंग में आपका एक्सपीरियंस शेयरिंग भी होता है उस पर सेमिनार्स भी होते हैं उस पर डिस्कशंस भी होते हैं हर ऑफिसर अपनी अपनी स्टेट में अलग अलग टाइप का एक्सपीरियंस लेके आता है जिसमें कई बार कुछ लोगों का ऐसा भी बोलना होता है कि हमें जो ट्रेनिंग दिया वहां प्रैक्टिकल में तो फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर ड्यूरिंग माई टाइम जैसे एक ऑफिसर ने पर्टिकुलरली उसमें इवन डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में ही उसने एक लेटर लिख के भेज दिया था डायरेक्टर को कि भाई हमें तो ऐसा ऐसा बताया कि एथिक्स है ये है लेकिन यहाँ तो थर्ड डिग्री का यूज होता है वी शुड डू वगैरह वगैरह तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो डिस्ट्रिक्ट में आपने किया है उसमें किस प्रकार आपको डिफिकल्टीज आए क्या आपको नया एक्सपीरियंस मिला वो एक्सपीरियंस शेयरिंग होता है उसमें डिस्कशंस होते हैं उसके सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं और कुछ रेगुलर ट्रेनिंग भी जो सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं वो भी फेज टू में होते हैं इंक्लूडिंग द पासिंग आउट परेड पीओपी दीक्षांत परेड जिसको बोलते हैं वो भी होता है और अल्टीमेटली फिर फेज टू की जब आप ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं सक्सेसफुली का मतलब जब सारे जो एग्जामिनेशन है फिफ्टीन इनडोर पेपर आपको मैंने बताए थे और अप्रोक्सीमेटली आठ से दस जो आउटडोर के जो पेपर्स थे जब आप सब में क्लियर हो जाते हैं देन यू आर नाउ अल्टीमेटली फुल्ली ट्रेंड ऑफिसर फिर आपको रेगुलर चार्ज जहां आपकी पोस्टिंग हुई है आपको फर्स्ट ए का आपको चार्ज मिलता है और आपको एक और रेलिवेंट चीज बता दू कि पास करने के लिए जो परसेंटेज चाहिए होती है वो होती है फिफ्टी परसेंट फर्टी थ्री या थर्टी सिक्स परसेंट नहीं है या फोर्टी परसेंट नहीं है फिफ्टी परसेंट आपको स्कोर करना पड़ेगा पास होने के लिए दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट और एक और वहां का जो इंटरेस्टिंग रूल है वो क्या है मान लीजिए अगर कोई ऑफिसर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फिजिकल आउटडोर का सब्जेक्ट है या तो इनडोर का सब्जेक्ट है मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया चाहे एक नंबर से भी फेल क्यों ना हुआ हो तो उसके मार्क्स जीरो काउंट होते हैं उस पेपर में फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सेवनटी फाइव मार्क्स का अगर आ, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो उसमें थर्टी सेवन पॉइंट फाइव मार्क्स उसको चाहिए है पास करने के लिए मान लीजिए उसके थर्टी सेवन मार्क्स आए सपोज एग्जाम्पल के लिए बोला या थर्टी सिक्स मार्क्स आए तो सिर्फ हाफ या एक मार्क्स से फेल हो गया

तो ट्रेनिंग में भी अप्रोक्सीमेली आई थिंक टू जीरो सेवन फाइव होगा शायद आजकल अप्रोक्सीमेटली क्योंकि हमारे टाइम में टू जीरो फाइव जीरो आता था इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली आजकल टू जीरो सेवन फाइव टोटल मार्क्स होते हैं मेन एग्जाम और इंटरव्यू को मिला करके तो ट्रेनिंग में भी अप्रोक्सीमेटली वही टू थाउजेंड के आसपास मार्क्स होते हैं इन दोनों का फिर टोटल करते हैं वहाँ से मेरिट लिस्ट बनती है लेकिन यदि कोई ऑफिसर सिर्फ एक मार्क्स से भी फेल हो गया तो उसके मार्क्स काउंट नहीं करते हालांकि बाद में उसको वो पेपर दोबारा पास तो करना ही पड़ेगा और दोबारा पास करने के बाद हो सकता है वो सेवेंटी फाइव में से सेवेंटी फाइव मार्क्स भी लेके आ जाए लेकिन फिर भी क्योंकि उसमें एक बार वो फेल हुआ था तो उसके जीरो मार्क काउंट होते हैं तो आपकी मेरिट काफी नीचे आ जाती है उससे फिर मतलब आपका जो सीनियोरिटी है उसमें थोड़ा आपको नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है तो फ्रेंड्स ये बेसिक डिटेल्स हैं आ, आई पी एस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के बारे में मैं लेट मी जस्ट सी कि आप लोगों का कोई कमेंट है या आपका कोई डाउट है क्योंकि बेसिकली आई हैव कवर्ड द मेन डिटेल्स हमारे को एक्चुअल में ऑलमोस्ट आई थिंक कितने टू आवर्स हो गए वी हे ट्राई टू कवर दीज थिंग्स इन डिटेल क्योंकि अन अकेडमी जिसकी तरफ से ये वीडियो किया जा रहा है बेसिकली उनका ऐसा बिलीव था कि जो कैंडिडेट्स हैं आप लोग जो एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं हो सकता है आपको थोड़ा इससे मोटिवेशन मिले और दूसरी बात आपको थोड़ा एडवांस में मालूम भी रहता है कि ये ये सिस्टम है इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है तो आपको थोड़ा उसका फील आता है आप इंस्पायर होंगे थोड़ा मोटिवेट होंगे तो आप थोड़ा डबल मेहनत करेंगे ज्यादा हार्डवर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपके सक्सेस के चांसेस भी बढ़ेंगे तो इसी गुड नोबल ऑब्जेक्टिव से अन अकेडमी की तरफ से यह वीडियो स्पेशली रिक्वेस्ट करके बनवाया गया तो आई ट्राइड कि जितना विद इन द लिमिटेड टाइम जितना डिटेल्स में बता सकता हूँ आई आई कैन आई आई शुड डू इट बाकी बहुत सी डिटेल्स मैंने कवर नहीं की होंगी लेकिन मान लीजिए आपका अगर कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू थिंग्स देखिए एजुकेशन जंक्शन विद सुशील कुमार आई एस या आई पी एस विच इज बेटर ऑप्शन देखिए नॉर्मली देखिए अगर हम मान लीजिए uh, अगर मान लीजिए जनरल जो सिस्टम है लोगों के प्रेफरेंस देने का अगर आप वो देखेंगे तो ज्यादातर लोग आई को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं कुछ लोग आई को देते हैं आई मतलब यहाँ पर फॉरेन सर्विस से है ऑफकोर्स कुछ लोग आईपीएस को भी फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं लेकिन जनरली जो मैंने ऑब्जर्व किया है नॉर्मली सेकेंड प्रेफरेंस मोस्ट ऑफ वो द लोगों की आईपीएस तो पक्का रहेगी कुछ लोगों का आई ए एस भी देता है कुछ लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस भी देता है आईपीएस लेकिन सेकंड प्रेफरेंस तो करीब करीब काफी सारे लोगों का आईपीएस में रहता है कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी हाइट फुल नहीं होगी मान लीजिए 165 से नीचे है सेंटीमीटर या फिर किसी कारण से कोई पुलिस में नहीं आना चाहता है तो हो सकता है वो आई को सेकेंड प्रेफरेंस दे दे लेकिन जनरली आईपीएस को सेकेंड प्रेफरेंस जरूर देते हैं और इसमें एक ये भी देखिए एक साइकोलॉजिकल कारण भी होता है नाउ आई विल टेल यू सी क्या होता है अगर आप यूपीएससी के सर्विसेज की लिस्ट को देखेंगे उसमें क्या लिखा रहता है आईएएस आई एफ एस आई पी एस और बेबी फिर उसमें आई ए एस रहता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस और आई एन एस भी आई थिंक शायद पांच छह नंबर पर आ जाएगा एग्जाम्पल है तो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है हम देखते हैं अच्छा आई ए एस नंबर वन पे है इसका मतलब ये टॉप सर्विस होगी तो एक थोड़ा वो जिसको बोलते हैं सेल्फ एस्टीम की एक फीलिंग रहती है कई बार लगता है कि नहीं वाई शुड आई गिव प्रस टू द थर्ड सर्विस आई शुड गिव फर्स्ट ऑप्शन टू दिस एक ये कारण है

तो नॉर्मली आई ए एस ऑफिस का उनको कुछ दो एडिशनल इंक्रीमेंट वाला भी रहते हैं उनके प्रमोशन एवेन्यूज थोड़ा सा फास्टर रहते हैं नॉर्मली उनका थोड़ा जल्दी प्रमोशन हो जाए इनफैक्ट आई रिमेंबर हालांकि पर्सनल चीज मुझे बोलना नहीं चाहिए आई वॉन्ट टू अवॉइड लेकिन फिर भी आई गिव यू एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल वेन आई वेन आई वॉज ए एस पी तो उस समय हमारे डीजीपी आए थे उस जगह पे वेर आई वॉज पोस्टेड आई वॉज ऑल्सो हैविंग नेक्स्टलेट एरिया अंडर भी नेक्स्टलेट एरिया भी मेरे अंडर में था और रेगुलर इवन इंडस्ट्रीज वाला काफी इंपॉर्टेंट चार्ज था मेरे पास एज ए एस पी तो डीजीपी वाज मतलब वो काफ़ी इंप्रेस हुए तो so उन्होंने मुझे बोला कि एक्चुअली आई वाज नंबर वन इन माय स्टेट मेरा फर्स्ट रैंक भी था हालांकि टोटल हम फाइव ऑफिसर्स थे तो so उन्होंने मुझे बोला कि विद इन सेवन डेज यू विल गेट योर प्रमोशन होल्डर्स एज एस ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट ही प्रोमिस्ड मी एंड देट वॉज समाइम आई थिंक इन फेबर क्योंकि नॉर्मली ऑगस्ट में आप ज्वाइन करते हैं फेबर मींस अप्रोक्सिमेटली साढ़े तीन साल की सर्विस हुई थी नॉर्मली चार साल के बाद आपको प्रमोशन मिलता है उन्होंने तो मुझे प्रोमिस किया अपने आप ही बोल के गए कि आपको विद इन सेवन डेज के आसपास यूल गेट दर लेकिन बाद में जो मुझे मालूम पड़ा उसमें वन वीक की बजाय पहले हमारी स्टेट के जो हमारे बैचमेट थे आई एस के पहले उनका प्रमोशन ऑर्डर निकला उसके तीन चार दिन के बाद फिर मेरा प्रमोशन ऑर्डर निकला मेरे अकेले का निकला जो मेरे बाद मेरे साथ के जो चार दूसरे ऑफिसर थे उनको तो और भी ज्यादा टाइम लगा मेरे नेक्स्ट वाले को चार महीने लग गए उसके आगे वालों को तो आठ आठ महीने लग गए थे कहने का मतलब क्या है देखिए द फैक्ट रिमेन्स कि आई को प्रमोशन के चांसेस डेफिनेटली फार बेटर हैं उनका थोड़ा पे स्केल भी थोड़ा सा बेटर रहता है और दूसरा क्या है उनकी जॉब वराइटी भी थोड़ी सी बेटर है देर इज नो डाउट जैसे आप पी एस यू के सी एम डी बना दिया आपको फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर हमारे साथ में एक आई पी एस ऑफिसर थे उन्होंने अगेन एग्जाम दिया नेक्स्ट ईयर वो आई एस में सेलेक्ट हो गए तो देखिए वो कोल इंडिया लिमिटेड उसके वो सी एम डी थे एंड एट दैट टाइम ये शायद आठ दस साल पहले की बात है एंड उस समय वो टॉप पोजिशन में नहीं थे मतलब ऐसा नहीं था कि वो चीफ सेक्रेटरी या आ, कोई कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक के हों तो आज भी आई डोंट नो वेदर स्टिल इन सर्विस लेकिन अगर सर्विस में होंगे तो आज भी उनकी थर्टी फाइव थर्टी सिक्स की सर्विस होगी ये बात है आठ दस साल पहले की तो उस समय मतलब इतने टॉप लेवल की पोस्ट में भी नहीं थे ही मेड ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड और मैं इस इंसिडेंट को क्यों बता रहा हूँ आपको है देखिए उस समय जबकि बात थी सात आठ साल पहले कोल इंडिया लिमिटेड वॉज द इंडिया नंबर वन कंपनी इवन रिलायंस टीसीएस ये काफी पीछे थे कोल इंडिया लिमिटेड का जो वैल्यूएशन था उस समय वो इंडिया में नंबर वन था प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी सबको मिलाते हुए पूरी कंट्री में सबसे जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी थी जिसका हाईएस्ट वैल्यूएशन था वो तो कोल इंडिया था एंड uh, उस समय उनकी सर्विस शायद आई थिंक मे बी ट्वेंटी सेवन ईयर्स के आसपास हुई होगी ही वाज सीएमडी ऑफ कोल इंडिया फॉर अबाउट थ्री फोर ईयर्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज डेफिनेटली दे हैव हैवराइटी ऑफ जॉब्स जैसे एयर इंडिया का चीफ बन गया या बड़ी बड़ी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है पी एस हैं तो उनका वैरायटी ऑफ जॉब्स ज्यादा है उनके प्रमोशन वेन्यूज ज्यादा है उनको पे में भी दे गेट सम एडिशनल एडवांटेज ये सारी बातें हैं और दूसरा जैसे आईपीएस में थोड़ा रिस्क भी कई लोग बोलते हैं कि रिस्क जॉब है या फिर दूसरा आईपीएस में जो कई लोग नेगेटिव पॉइंट ढूंढते हैं वो क्या है कि ट्वेंटी फोर बाई सेवन की जॉब है मैं आपका एग्जांपल बताऊं जैसे कुछ सिचुएशन में मैं इवन टेन डेज तक आई कूडेंट इवन गो होम आई कुडेंट टेक बाथ फॉर टेन डेज ऐसा भी मेरे साथ एक दो बार हुआ है टेन डेज तक ओनली इन द व्हीकल और इन द फील्ड नो विजिट टू द होम नो टेकिंग बाथ दस दिन तक लगातार क्योंकि लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम था गिव एग्जाम्पल टू यू तो थोड़ा रिस्क भी रहता है आप वेपन से डील कर रहे हैं क्राउड से डील कर रहे हैं लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम है टेररिस्ट से डील कर रहे हैं तो कुछ लोग इसके कारण से भी आईपीएस को ओपनिंग करते हैं आई में थोड़ा सा क्योंकि नॉर्मली उनको ऑफिस एनवायरमेंट से ही डील करना पड़ता है नॉर्मली तो इसलिए ज्यादातर लोग जो है वो आई को प्रेफर करते हैं नॉर्मली बट मोस्ट ऑफ द पीपल सेकेंड प्रेफरेंस जनरली आईपीएस को देते हैं दिस इज वॉट आई कैन से राजकुमार ने, राज ने बट सर क्रिश्मा अगर फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूं अगर मान लीजिए आपको हिंदी मूवी देखते हैं फॉरगेट हिंदी मूवीज आप किसी दूसरी लेंग, इंडियन लैंग्वेज की मूवी देख लीजिए तेलुगू देख लीजिए तमिल में देख लीजिए पंजाबी में देख लीजिए या कोई भी लैंग्वेज की आप मूवी देख लीजिए मूवीज में देखिए आपको मैक्सिमम मूवीज में आपको आईपीएस ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर के रोल्स आपको मिलेंगे के जैसे आई थिंक रेड मूवी बनी थी करेक्टली अजय देवगन की मूवी थी पर रेयर मूवीज तो कहने का मतलब क्या है कि आईपीएस का जो सोसाइटी में जिसको क्रेज बोलिए वो काफी ज्यादा है मतलब एक तो उनका मे बी बिकॉज ऑफ क्योंकि ट्रेनिंग का नेचर इस प्रकार से है कि वर्सेटाइल ट्रेनिंग है प्रोफेशनल ट्रेनिंग है फिजिकल फिटनेस काफी बेटर हो जाता है आफ्टर ट्रेनिंग एटलीस्ट हालांकि बाद में क्योंकि आप ओवरबर्डन हो जाते हैं ट्वेंटी फोर बाई सेवन वर्क है तो काफ़ी सारे लोग फिर बाद में फिजिकल एक्सरसाइजेस कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं इसलिए कई बार थोड़ा बॉडी का स्ट्रक्चर बदल जाता है लेकिन इमिजिएटली आफ्टर द ट्रेनिंग एटलीस्ट फिजिकली दे आर द बेस्ट फिट ऑफिसर्स आई एम टॉकिंग ऑफ नाउ सिविल जैसे आई ए एस आई पी एस आई एस इन सब की कंपेरिजन कर रहा हूँ अगर आप डेफिनेटली आर्मी से कंपेयर करेंगे नेचुरली आर्मी की ट्रेनिंग तो डेफिनेटली और भी इससे बेटर रहेगी या कमांडोज की ट्रेनिंग डेफिनेटली और भी बेटर रहेगी तो नेचुरली आई का क्रेज काफ़ी है और इसी के कारण से मैक्सिमम जो मूवीज हैं इसमें सर्विसेज की बात करें तो आई पी की काफ़ी सारी मूवीज में रोल रहेगा और कई मूवी तो फुली डिवोटेड टू पुलिस आई के ऊपर ही पूरी मूवीज बनी हुई है ये डेफिनेटली है सोसाइटी में क्रेज है उनका करिश्मा दिखता है बट अगर आप प्रैक्टिकल की बात करें तो ज्यादातर लोग आईएएस को प्रेफर करते हैं दैट इज इज फैक्ट नाउ इट फॉर यू टू डिसाइड किस को प्रेफर करना चाहते हैं दैट इज योर च्वाइस ये आई थिंक किन का क्वेश्चन था ओके नेक्स्ट देखिए लेट मी जस्ट है लुक एट क्योंकि माई ऑफर्ट इज आई डोंट वॉन्ट टू ब्रिंक टाइम लिमिटेशन इन द वे आई एम अवेलेबल टू आंसर योर क्वेरीज अगर आपका अगर कोई स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया टाइम लिमिटेशन की परवाह करते हुए बिना आई एम गिलिंग टू आंसर योर क्वेरीज अगर कोई आपका क्वेरी है और अगर आपको थोड़ा मोटिवेशन थोड़ी इंस्पिरेशन मिल सकती है इट विल बी माई प्लेशर एंड माई प्रिविलस तो लेट मी ट्राई टू आंसर सम मोर क्वेश्चन देखिए विद सुशील कुमार इनका था क्वेश्चन आई एस आई पी एस आई होप यूर गोट द आंसर बट अल्टीमेटली इट्स योर चॉइस क्योंकि Uh, हर व्यक्ति अपने हिसाब से चलता है हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रेफरेंसेज रहती हैं इट इज फॉर यू टू डिसाइड टेक ए कंसिडर्ड डिसीजन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स देख करके आपको क्या बेटर लगता है वो आप डिसाइड कर सकते हैं और एक बात शायद मैं बताना भूल गया देखिए क्या होता है आई जनरली जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इवन द सीनियर मोस्ट आई पी एस ऑफिसर जो रहेगा वो सूनर और लेटर किसी आई ऑफिसर के नीचे भी काम कर सकते हैं जो हो सकता है उससे जूनियर भी हो दो तीन चार साल एग्जाम्पल जैसे होम सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो नेचुरली आई का रहेगा हालांकि एक उसमें आईपीएस का भी सेक्रेटरी रहता है लेकिन जो मेन सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी वो आईपीएस का रहेगा और जैसे बी का डी है या सीआरपीएफ का है या सी बी वाले सारे जनरली उनके अंडर में आएंगे तो एक ये भी आपके लिए वैलिड पॉइंट है विच आई शुड पॉइंट आउट फेयरली क्योंकि मेरी ड्यूटी आपको मैं अपना पर्सनल बायस्ड ओपिनियन ना देते हुए आई शुड ट्राई टू पॉइंट आउट प्लस एंड नेगेटिव्स सर्विसेज चॉइस इज अल्टीमेटली योर्स और इसमें आपको और भी काफी इंफॉर्मेशन आपको मीडिया में मिल जाएगी इफ यू सर्च ऑन इंटरनेट की किसको करें आपको काफी सारे आर्टिकल्स वाला मिल सकते हैं जो हो सकता है आपको मेरे से भी दस गुना ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सके देखिए उसके बाद में देखिए सेशन, सेशन चल रहा है देखिए है व्हाट इज द पावर ऑफ आईपीएस टेल सर देखिए आईपीएस की पावर आपको मैंने बेसिक चीजें तो बता दी अब मान लीजिए अगर आईपीएस का एसपी है, और है तो जो, और की जो भी पावर्स है वो पावर्स कहां से आएंगी देखिए एक तो सीआरपीसी में आएंगी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसका एक सेक्शन होता है सेक्शन थर्टी सिक्स देखिए सीआरपीसी के अंडर में जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है या जो भी लॉ एंड ऑर्डर का ड्यूटी हैंडल करना है वो बेसिक पावर सीआरपीसी में, में, में होता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन जो लैंग्वेज यूज होती है वो है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन मैं ब्रीफ में लिख रहा हूं ये वर्ड यूज होते है जिसको हम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में एस बोलते हैं महाराष्ट्र में जहां पे मैंने सर्विस किया वहां पर पीएसओ बोला जाता था एस नहीं बोला जाता था पुलिस स्टेशन ऑफिसर बोला जाता था

तो फिर एक आधी बार आपको ऐसा डाउट हो सकता है कि भी सब जगह ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन लिखा हुआ है तो फिर आईपीएस ऑफिसर क्या करेगा उसकी क्या पावर है उसका तो कहीं सीआरपीसी में नाम ही लिखा हुआ नहीं है आपको नाम नहीं मिलेगा तो वो जो पावर है वो पावर आती है सेक्शन थर्टी सिक्स से. सेक्शन थर्टी सिक्स सीआरपीसी में क्या लिखा गया है बहुत ब्रीफ सेक्शन है वो लेकिन उस सेक्शन में क्या लिखा है कि जो भी पावर्स सीआरपीसी के अंडर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को दी गई है यानी कि ओ को जो भी पावर दी गई है अंडर द सी वो सारी पावर्स उसके सुपीरियर ऑफिसर्स भी एक्सरसाइज कर सकते हैं मतलब द सेम पावर्स सिर्फ एक सिंगल सेक्शन में मेंशन करके सेम पावर्स आर अवेलेबल टू द सुपीरियर ऑफिसर्स ऑल्सो मतलब जो एस एच ओ के ऊपर के ऑफिसर है उसमें नेचुरली आईपीएस ऑफिसर आ जाएंगे तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आईपीएस ऑफिसर्स को वो सारी पावर्स अवेलेबल है जो किसी पुलिस स्टेशन के अंदर वहां के एस के रहती है ये मैंने आपको जैसे है जो, uh, से डील करने के लिए बनाए गए हैं उसमें भी ऑफिसर इंचार्ज और पुलिस स्टेशन टाइप की वर्डिंग रहती है लोअर्ड ऑर्डर से डील करने की फायरिंग वगैरह भी कई बार की जाती है टीअर गैस सेल है चार्ज होता है तो ये सेक्शन भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली थर्टी सिक्स के अंडर में सीनियर uh, ऑफिसर जो है उनको भी आ जाएंगे तो पुलिस ऑफिसर आईपीएस की ये पावर होती है और सेकेंडली फिर हर स्टेट में अपने अलग अलग एक्ट भी बने हुए हैं एक ऑल इंडिया एक्ट भी है पुलिस एक्ट पुलिस एक्ट 1861 तो इस एक्ट में ज्यादातर स्टेट में ये एक्ट लागू होता है ये ब्रिटिश पीरियड का एक्ट है पुलिस एक्ट एटीन में इसमें स्टेट पुलिस फोर्स कैसे बनती है उसका टॉप तो बॉस कौन है जैसे आजकल डीजीपी बोलते हैं पहले आईजीपी बोलते थे क्या क्या डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स क्या है मतलब पुलिस फोर्सेज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा है उनकी सर्टेन पावर्स है तो उसके अंडर में भी एसपी की पावर रहेगी आई ऑफिसर की पावर मैं रहेगी फिर दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के खुद के रूल्स रहते हैं उनके रेगुलेशंस रहते हैं और उसको जनरली बोला जाता है पुलिस मैनुअल मतलब एक पुलिस मैनुअल की तरह से बना हुआ है जैसे महाराष्ट्र में थ्री वॉल्यूम्स में था अबाउट 1500 से 2000 पेजेस के तीन वॉल्यूम में पुलिस मैनुअल था उसमें सारे जो भी गवर्नमेंट के डायरेक्शन है रूल्स रेगुलेशन नॉर्मली उसमें मैंशन रहते हैं कि कौन से ऑफिसर को क्या पावर है कैसे डायरेक्शन दे सकता है एस को एस क्या कर सकता है ए क्या कर सकता है डीजी क्या वो सारी चीजें आती है तो ये बेसिकली पावर है तो कहने का मतलब आई को जो पावर है वो इन्वेस्टिगेशन हो लॉ एंड ऑर्डर हो सारी जो पावर्स है वो सीआरपीसी से मेनली होती है या पुलिस एक्ट है कुछ स्टेट ने अपना खुद का पुलिस एक्ट बनाया हुआ है जैसे बॉम्ब महाराष्ट्र में है बॉम्बे पुलिस एक्ट 1951 का क्योंकि उस समय महाराष्ट्र को बॉम्बे ही बोला जाता था महाराष्ट्र गुजरात कंबाइन करके तो दीज आर द बेसिक पावर्स ओके देन नेक्स्ट देखिए ये हो गया नेक्स्ट आपका कमेंट है देखिए व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर 60 किलोमीटर क्रॉस कंट्री रन 60 नहीं एक्चुअली में 40 किलोमीटर है और एक्चुअली में एक क्रॉस कंट्री रन नहीं है इसको बोलते हैं रूट मार्च ये एक्चुअली में वेपन्स के साथ है तो ये एक्चुअली में इसको रूट मार्च बोलते हैं और मैक्सिमम 40 किलोमीटर का है अभी एग्जैक्ट टाइम नॉट एबल टू रिकॉल एग्जैक्ट टाइम कितना है इसके लिए टाइम लिमिट है आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली आई थिंक सिक्स आवर्स के आजू बाजू में कहीं तो भी है एग्जैक्ट आई एम सॉरी मैं आपको जो मैं बता रहा हूँ एकदम एक्यूरेट नहीं होगा थोड़ा अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ बट आई थिंक सिक्स सेवन आवर्स के आसपास है जो आपको करना पड़ता है क्योंकि आपके पास में दस से पंद्रह किलो का वजन भी रहता है आपके पास राइफल रहेगी हैवी राइफल रहेगी पीछे एक बैकपैक रहेगा उसमें कुछ सामान रहेगा तो कुल मिला के दस पंद्रह किलो का वजन उठा के आप रनिंग कर रहे हैं क्या चल रहे हैं मोस्टली वॉकिंग इसमें ज़्यादा लोग करेंगे तो वो रूट मार्च है जो क्रॉस कंट्री रन जो आप बोल रहे हैं वो अलग चीज़ है वो एक्चुअल में अप्रोक्सीमेटली फिफ्टीन किलोमीटर आप समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली वो रहेगा उसमें जनरली ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है सब लोग कंप्लीट करना होता है दे हैव टू कंप्लीट दिस वॉज द सिचुएशन इन अवर टाइम अगर आज थोड़ा रूल चेंज हो गया हो तो आई डोंट नो अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स देन देखिए वाई पीपल डोंट ट्रस्ट पुलिस देखिए एक आपने कहावत सुनी होगी पावर करप्ट पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्टोल्यूटली नेक्स्ट पार्ट में लिख नहीं रहा हूं टाइम सेविंग करने के लिए पावर करप एंड एब्सोल्यूट पावर करप्टोल्यूटली मतलब जितना ज्यादा किसी के पास पावर दिया जाएगा उतना करप्शन ज्यादा होगा यहां पर करप्शन से मीनिंग सिर्फ मॉनेटरी करप्शन नहीं है करप्शन नॉट नेसेसरी कि आपने पैसा ले लिया वो नहीं है मनी भी आएगा लेकिन ऑफ पावर भी आ जाएगा आप अपनी पावर को मिस यूज कर रहे हैं एब्यूज कर रहे हैं वो भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली करप्शन में आ जाएगा कहने का मतलब यू आर डूइंग समथिंग मैं इस कहावत की बात कर रहा हूं उसमें आ जाएगा तो अभी देखिए पुलिस ऑफिसर्स के पास काफी पावर्स है जैसे आपने मीडिया में अक्सर पढ़ा होगा आईपीएस की बात छोड़ दीजिए अभी जैसे हम आई एस आईपीएस को कंपेयर कर रहे थे तो एक इशू भी प्रेस में हो सकता है देखिए अभी आठ दस साल पहले जैसे आपको याद होगा जैसे एक कोल सेक्रेटरी को शायद आई थिंक चार या पांच केसेज में उनको कन्विक्शन हुआ है तो अरेस्ट करने वाला आदमी कौन वहां पर एक सीनियर मोस्ट आई ऑफिसर अरेस्ट करने वाला आदमी एस सब इंस्पेक्टर इवन मिनिस्टर्स को अरेस्ट करने की पावर सब इंस्पेक्टर के पास रहेगी तो देखिए पुलिस के पास में पावर्स काफी ज्यादा है और ज्यादा पावर रहेंगी तो उसमें अनफॉर्चुनेटली काफी नेगेटिव एलिमेंट्स भी रहते हैं हर फोर्स में हर ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेला पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पर करप्शन हो या जहां पर एब्यूज ऑफ पावर हो आजकल आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे आपको वहां लिथार्जी मिलेगी डिले मिलेगा करप्शन भी मिल सकता है या दूसरी जो मैल प्रैक्टिस अभी पुलिस क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिसर होगा, होगा वो सिविल ड्रेस में रहेगा आपको पता ही नहीं लगेगा ये गवर्नमेंट ऑफिसर है कौन है, है? पुलिस का ऑफिसर विजिबल है उसको बोलते हैं विजिबल हैंड ऑफ द गवर्नमेंट अभी मान लीजिए जैसे ट्रैफिक कॉन्स्टेबल है वो एकदम चौक के अंदर खड़ा हुआ उसके चारों ओर सैकड़ों हजारों गाड़ियां निकल रही हैं लोग निकल रहे हैं हाई लेवल का ट्रैफिक है अगर वो ट्रैफिक चौक में पब्लिकली खड़ा होकर यूनिफॉर्म में अगर किसी से पैसा लेगा ब्राइब लेगा तो नेचुरली उसको देखने वाले सौ लोग मिलेंगे तो कहने का मतलब क्या है विजिबल होने के कारण से विजिबिलिटी ज्यादा होती है तो क्या होता है पुलिस का करप्शन थोड़ा दिखता भी ज्यादा है बाकी लोगों का क्या होगा मान लीजिए आप जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में म्यूनिसपैलिटी में है तो आप क्या करेंगे चुपके से जाएंगे अकेले कहीं कोने में जाकर के ब्राइब ले लेंगे किसी को पता ही नहीं लगेगा देने वाला भी खुश होगा और लेने वाला भी खुश होगा क्योंकि देने वाले को फायदा है। उसका को उसका कोई लाइसेंस नहीं मिल रहा है उसको बिल्डिंग का परमिशन चाहिए से वो मिल गया उसका काम हो गया और दोनों को फायदा हो गया तो कोई कंप्लेंट भी नहीं करेगा पुलिस में नॉर्मली क्या होगा अभी मान लीजिए कोई रेप का इंसिडेंट हो गया आप जाएंगे पुलिस स्टेशन में एफ करने के लिए वो एफ नहीं करेंगे क्यों क्योंकि जो एक्यूज है वो कोई बड़ा आदमी है रिच आदमी है वहां से पैसा ले लिया उन्होंने या कोई पावर किसी का इन्फ्लुएंस आ गया किसी का फोन आ गया प्रेशर आ गया बहुत से लोग मैल प्रैक्टिस में घुस जाएंगे नॉट एवरी बॉडी ऑफ देर आर मैनी गुड ऑफिसर्स ऑल्सो आई हैव सीन मैंने ऐसे भी ऑफिसर देखे हैं जिनको उनके सबॉर्डिनेंट गोड तरह करके भी बोलते थे मेरे एक कोलीग थे उनके सबोर्डिनेंट उनको गोड बोलते थे मतलब इतने अच्छे नेचर के थे देर आर गुड पीपल देर आर बैड पीपल लेकिन पुलिस में क्या होता है आप जैसे दूसरे डिपार्टमेंट में आप कोई बेनिफिट लेने के लिए आप करप्शन करते हैं जैसे मान लीजिए अगर मुझे कोई लाइसेंस चाहिए शॉप लाइसेंस चाहिए होटल का लाइसेंस चाहिए मेरी बिल्डिंग के लिए लाइसेंस चाहिए या मुझे किसी ट्रेजरी से पैसा लेना है एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ तो मुझे बेनिफिट मिल रहा है मैं उसके लिए ब्राइक दे रहा हूँ उसमें से कुछ परसेंटेज उसको दे दूंगा लेकिन पुलिस में क्या है मैं पहले से ही तंग आया हुआ आदमी हूँ आई एम ऑलरेडी ए विक्टिम मान लीजिए मुझे कोई मेरे को किसी ने मारपीट किया है मैं उसकी मैं पहले से ही तंग व्यक्ति हूँ और फिर वहाँ जाकर अगर मेरे को मेरी एफ नहीं लेंगे मुझे तंग करेंगे और मुझे सताएंगे मेरे से पैसा मांगेंगे तो नेचुरली जो भी आदमी उसको गुस्सा आएगा और जैसे दूसरा मैंने आपको यह भी बोला था जैसे मूवीज में क्या होता है पुलिस का करप्शन काफी ज्यादा दिखाया जाता है जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा ए के वर्षेज ए के जो मूवी आई थी अभी रिसेंट मूवी है आई थिंक शायद नेटफ्लिक्स की सीरीज थी या तो अमेजोन प्राइम आई एम फॉर गेटिंग लेकिन आई थिंक शायद नेटफ्लिक्स की थी जो ए के वर्सेज ए के सीरीज आई थी उसमें देखिए क्या था एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहन करके अनिल कपूर जो उस फिल्म के हीरो हैं उन्होंने कुछ गालियां निकाली हैं एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में उसके ऊपर एयरफोर्स ने काफी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया कि भाई आप यूनिफॉर्म में हमारी यूनिफॉर्म का आप इंसल्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह तो अनिल कपूर ने इनफैक्ट अपोलोजाइज किया उसके लिए लेकिन आप ऐसी कितनी मूवीज का नाम बता सकते हैं और अनलिमिटेड निकल जाएंगे जिसमें पुलिस को गाली निकालना छोड़िए फेक एनकाउंटर फेक मर्डर कर रहे हैं करप्शन कर रहे हैं हर तरह की उनको बुरी सी दिखाया जाएगा मूवीज में उसके ऊपर कभी किसी ने ऑब्जेक्शन लिया भी नहीं होगा तो ये सारी चीजें लोग देखते हैं उसका भी इंपैक्ट लोगों के मन पे पड़ता है तो ये सारे कारणों से बेसिकली व्हाट आई कैन से इज दैट कि पुलिस की जो रेपुटेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है एंड डेफिनेटली आई विल बी वेरी ओपन टू से इसमें जो मेजर शेयर है जो मेजर रीजन है वो पुलिस का खुद का बिहेवियर है पुलिस के खुद के बिहेवियर जनरली इतना uh, अगर आप क्रिमिनल के साथ टफ बिहेवियर करेंगे तो जनरली मैंने क्या देखा है लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा करीब दो साल पहले हैदराबाद में एक गर्ल के साथ में रेप हुआ था उसके जो चार एक्यूट थे पुलिस ने उनको एनकाउंटर में किल कर दिया तो ऐसा एलिगेशन था कि वो फेक एनकाउंटर था आई डोंट नो मुझे उसके डिटेल में नेचुरली आई हैव नॉट इन्वेस्टिगेटेड मैं मीडिया के रिपोर्ट्स के हिसाब से जा रहा हूँ कि वो चार एक्यूट को पुलिस वालों ने मार गिराया विद इन वीक वीकोर्षो जो भी था अभी देखिए मारपीट करना तो एक छोटी सी चीज है यहाँ तो उनको जान से ही मार दिया लेकिन फिर भी लोगों ने उनको कितना अप्रिशिएट किया पब्लिक ने जनरल मीडिया में उनको नेगेटिव बोला गया मीडिया में नेचुरली जो लीडर्स है ये है उनको अपना वो करने के लिए तो दे विल से नेगेटिव थिंग्स लेकिन जो जनरल पब्लिक का जो ओपिनियन था इंक्लूडिंग स्पेशली वीमेन का जो ओपिनियन था उन्होंने पुलिस को हाईली अप्रिशिएट किया कि उसको जस्टिस मिला वट आई एम ट्राइंग टू से इज़ अगर पुलिस क्रिमिनल्स के साथ में टफ होती है क्रिमिनल्स के साथ में मिसबिहेव करती है टफ होती है क्रिमिनल का मतलब ऐसा नहीं कि जर शक है और आप उसको मारपीट कर दे जो रेगुलर सीरियस क्राइम करते हैं अगर उस टाइप के लोगों के साथ अगर पुलिस टफ होती है तो लोग उल्टा उसको अप्रिशिएट करते हैं लेकिन अगर कोई पुलिस स्टेशन में एफ करने के लिए जा रहा है आप उसी के साथ मिसबिहेव करेंगे उसको गाली निकाल लेंगे पैसा मांगेंगे या अदरवाइज उसको डिले करेंगे रजिस्टर ही नहीं करेंगे फिर नेचुरली देखिए पुलिस का भी इसमें काफी देखा जाए तो उनकी खुद की भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दे आर आल्सो आसो रिस्पॉन्सिबल फॉर सच टाइप ऑफ बैड इमेज ओके फ्रेंड्स देन एंड आईपीएस एग्जामिनेशन आर गोइंग टू ए मर्ज और नॉट देखिए एज फार एज आई नो राइट नाउ एट देर नो प्रपोजल कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज का एग्जाम और आईपीएस का एग्जाम सेम होगा जो आईपीएस का एग्जाम है वो बेसिकली यूपीएससी सिविल uh, सर्विसेज का ही पार्ट है दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास कोई अलग से इन्फॉर्मेशन अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट प्रीवी टू ख्याल से तो अलग एग्जाम है और चलता रहेगा अब तक छप्पन और ये का नाम बताया गंगा जल यू आर राइट देर आर मैनी मूवीज इन योर ओपिनियन विच इज बेस्ट आई डोंट नो आप किसके बारे में पूछ रहे हैं विच इज बेस्ट वेदर यूर आस्किंग आई पी एस और वट आई डोंट नो बट वन थिंग आई कैन टेल यू क्योंकि देखिए आई हैव वर्कड इन आई पी एस तो यू मे कॉल इट सर्विस लॉयल्टी या यू मे कॉल द रीजन जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आपकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो जाती है अगर आपने आई पी एस की ट्रेनिंग की है आपने वर्क किया है तो आई हैव फाउंड अ सी चेंज इन माई प्रोफेशनलिज्म मेरे जो वर्ल्ड को देखने का नजरिया है काम करने का नजरिया है डिसिप्लिन है और बाकी जो चीज़ें है कॉन्फिडेंस लेवल आपका तो इन माई व्यू इफ आई हैव टू ज्वाइन अगेन इन फ्यूचर सुपोज अगर मुझे ज्वाइन करना होगा सुपोज अगर पर स्टिल प्रेफर आई आई पी एस पोस्ट प्रमोशन एक कम मिलेगा तो भी कोई बात नहीं लेकिन आपको पब्लिक को हेल्प करने से जितना आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है आपके पास में कोई आदमी आता है कि सर पुलिस स्टेशन ने मेरा एफ आई आर नहीं लिया है आप उनको वायरलेंस के ऊपर ही ऑर्डर कर दीजिए कि इमिजिएटली रजिस्टर द केस तो उसका एफ आई आर रजिस्टर होता है वो आपको आकर के जो ब्लेसिंग देता है उस फीलिंग को आप महसूस नहीं कर पाएंगे जब आप करेंगे तब आपको पता लगेगा कि हाउ मच गुड यू कैन डू टू द सोसाइटी एज एन आई ऑफिसर अगर हम अपनी ड्यूटी को सिंसियरली ऑनेस्टली करते हैं तो विद फुल इंटीग्रिटी तो उसका एक अलग ही उसका एक सेटिस्फेक्शन है जो प्रमोशन ज्यादा आई में मिल जाएंगे वहां नहीं मिलेगा आपको ये आपको सेटिस्फेक्शन जरूरी नहीं मिलेगा क्योंकि आई की जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर है या उनकी कुछ पोस्टिंग्स और भी होती है जिसमें उनकी पब्लिक से डायरेक्ट डीलिंग है लेकिन उनकी जो ज़्यादातर आई की पोस्टिंग होती है वो सेक्रेट्रिएट में आ, रहते हैं उनकी पब्लिक से डीलिंग कंपेटिवली काफ़ी कम रहती है तो जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है पब्लिक से डीलिंग करके पब्लिक को जस्टिस देने में पब्लिक की कंप्लेंट्स को सुनने में उनके ऊपर एक्शन लेने में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में देखिए वो सेटिस्फेक्शन आपको आई हैव टू से इट ओपनली वो शायद आपको आईपीएस जैसी सर्विस भी मिल सकता है जिसका फुल पब्लिक डीलिंग है मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ यू विल नॉट बिलीव फॉर एग्जाम्पल आई वॉज डी सी पी साउथ इन मुंबई काफी टाइम तक था वहां पर मैं आवाज इंच तो बताता हूँ मेरे पास में एक दिन में फोर फाइव हंड्रेड कंप्लेन आती थी एक एक दिन में और लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूज टू कम टू विजिट अब क्योंकि मेरा जॉब वहां पर ट्वेंटी फोर बाई सेवन था मेरे डेली एवरेज ही वहाँ अठारह बीस घंटे की ड्यूटी होती थी तो जितना मेरे से पॉसिबल होता था आई ट्राई टू यूज द मीट मीट द पीपल और जो उनकी कंप्लेंट है उसको खुद पढ़ के या मेरे जो असिस्टेंट आ, सब थे सब इंस्पेक्टर रैंक के रहते हैं उनके थ्रू पढ़ा करके वो बेसिक पॉइंट निकाल देते थे क्योंकि सिंगल पर्सन के लिए रोज़ की 500 सौ कंप्लेट पढ़ना और सारी लांड ड्यूटी सारी बाकी ड्यूटी करना इम्पॉसिबल हो जाता है तो आई ट्राई टू डू वट एवर आई कुड डू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर तो जो आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलता है पब्लिक डीलिंग से उनको जस्टिस देने में

बट ही वॉज ए टॉप मिनिस्टर इन द सेंट्रल कैबिनेट वेन आई वॉज वर्किंग इन द सीबीआई एंड सब्सिक्वेंटली बिकेम प्राइम मिनिस्टर मैं नाम नहीं लूंगा उनका इन दैट टाइम ए वेरी वेरी सीनियर लेवल मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट आई वॉज इन दीबीआई एक बड़ा फ्रॉड था जो मैंने सुपरवाइज किया था उसका इन्वेस्टिगेशन तो उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को मैंने उनके खुद के चैम्बर में दिल्ली में आई वॉज इैट टाइम इन बॉम्बे सीबीआई वहां से आई डर इन फॉर थ्री फोर आवर्स एंड दैट पर्सन लेटर ऑन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो एनी वे आई डोंट वॉन्ट टू गो इन फर्दर डिटेल्स ओके फ्रेंड्स आई थिंक शायद आपका कोई दूसरा क्वेरी या तो डाउट तो मुझे नहीं दिख रहा है ओके फ्रेंड्स आई प्रिज्यूम दैट कि आप लोगों का कोई दूसरा uh, कोई डाउट वगैरह नहीं दिख रहा है बाकी आप लोगों में से कुछ लोगों ने कुछ अप्रीशिएटिव uh, कमेंट्स डाले आई थैंक यू ऑल सबको एक साथ में आई विल थैंक यू एंड आई थिंक वी हैव ऑलरेडी टेकन अबाउट टू एंड हाफ एन आवर्स तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी इन अ वेरी पेशेंट मैनर और टुमारो अगेन वील हैव अ लेक्चर टुमारो वील हैव इट सेवन पी एम और जो हमारी जो रेगुलर सीरीज थी मंथन सीरीज जिसमें हम करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं तो कल शाम को सात बजे वो वीडियो हम दोबारा लेंगे तो आज का वीडियो दन आई एम स्टॉपिंग हियर ओनली एक मिनट एक अन्वेषा जी का बोलना है कि सर यू डिड नॉट रिप्लाई टू माई क्वेश्चन आई डोंट नो आपका कौन सा क्वेश्चन है आई एम सॉरी देखिए अगर किसी का क्वेश्चन रह गया हो क्योंकि uh, कई बार क्या होता है कि मिस हो जाते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप अगर ब्रीफ में बता सकते हैं क्या क्वेश्चन था आपका आई डोंट नो एबल टू सी या तो आपने काफी पहले पूछा होगा तो आपका एक कमेंट तो मुझे दिख रहा है कि सर आपकी पर्सनैलिटी से लगता है कि आप बड़े डैशिंग ऑफिसर रहे होंगे थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट और आपने फिर दूसरा बोला है कोई ऐसा इंसिडेंस प्लीज बताइए देखिए एज मैंने आपको पहले बताया क्या है ना कि नॉर्मली आई शुड अवॉइड ब्लोइंग माई ओन ट्रम्पेट नॉर्मली अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट आई सजेस्ट इज अगर आप कोरा पे जाते हैं आजकल तो मैं कोरा पे नहीं लिख रहा हूं आंसर कोरा पे मेरे अप्रोक्सीमेटली मे बी सिक्स हंड्रेड के आसपास मेरे आंसर्स हैं अभी लास्ट वन ईयर से आई एम नॉट राइटिंग अप्रोक्सीमेटली वन ईयर या एट मंथ जो भी पीरियड हुआ है तो वहां पर कई क्वेश्चन में मैंने ऐसे इंसिडेंट्स कोट किए हैं यू कैन प्लीज गो थ्रू दैम आज डिटेल में मैं बोलना शायद अवॉइड करना चाहूंगा क्योंकि नॉर्मली एक्चुअल में आई वॉन्ट टू अवॉइड हालांकि फिर भी आज के लेक्चर में मैंने कुछ पर्सनल चीज़ें बता दी होंगी कई बार वो कॉन्टेक्स्ट में अगर बताते हैं तो थोड़ा उससे मोटिवेशन भी कई बार मिलता है इंस्पिरेशन मिलती है और कई बार उस कॉन्टेक्स्ट को समझने में भी इजी हो जाता है तो शायद मैंने दो चार जगह पर्सनल मैंने कमेंट्स कर दिए होंगे अपने इसके बारे में बट नॉर्मली एक्चुअली आई फॉलो द पॉलिसी की इज बेटर अवॉइडेड क्योंकि नॉर्मली क्या होता है अपनी खुद की डफली बजाना थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है तो आई एम रियली सॉरी आई अपोलोजाइज लेकिन जैसे मैंने आपको बताया आप कोरा पे जाके अगर सर्च करेंगे मेरा नाम तो आपको ऐसे कई इंसिडेंट्स कई स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे तो उनके आंसर देने के टाइम में मैंने कईयों में कुछ रेलिवेंट इंसिडेंट्स मैंने लिखे हैं और शायद ये कई क्वेश्चंस में ऐसा है तो प्लीज गो थ्रू दैट एंड आई एम रियली सॉरी आई डिड नोटिस योर क्वेश्चन अर्लियर आशीष कुमार जी का पूछना आपने मंथन सीरीज जब स्टार्ट की थी तब आप अलग टॉपिक चूज कर रहे थे और अब आप डेली न्यूज सेलेक्ट कर रहे हो और आपका पहले वाला इनपुट बेटर था नहीं यू आर राइट आई थिंक देखिए अभी भी मैं बेसिकली क्या अफर्ट कर रहा हूं देखिए क्या है मंथन में जो मेरा जो बेसिक थीम ये था कि वो आज की न्यूज ना हो करके पिछले कुछ समय की भी न्यूज हो सकती है जो इंपॉर्टेंट बर्निंग इश्यूज है उनके ऊपर आई शुड ट्राई एंड ट्राई टू कवर इन डिटेल वो बेसिक मेरा इशू है लेकिन कई बार क्या होता है आई एम सिंग द डेली न्यूज उसी के अंदर अगर कोई अच्छा इशू मिलता है तो आई ट्राई टू कवर दैट क्योंकि उसका रेलिवेंस सबसे ज़्यादा रहता है क्योंकि आज ही अगर आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में मीडिया में इंटरनेट पे और आज ही अगर मैं उसको कवर कर रहा हूँ डिटेल में तो क्या होता है थोड़ा उसका कॉन्टेक्स्ट बेटर रहता है तो कॉन्टेक्चुअल एडवांटेज के कारण से उसको मुझे भी समझाने में इजिए जाएगा आपको भी भीजिए रहेगा तो कई बार ऐसा होता है यू आर राइट आई फुल्ली एग्री विद यू लेकिन फिर भी मेरा ये कोशिश रहता है कि मंथन में जो टॉपिक्स लूँ उसमें कम से कम शुरुआत के एक दो टॉपिक्स आई ट्राई टू गो इन फुल डिटेल्स जितना विद इन द टाइम लिमिटेशन क्योंकि नॉर्मली एक्चुअल में वन आवर का लेक्चर है वो एक्सपेक्टेड है और आई एम टेलिंग यू आज तक मेरी आई थिंक शायद थर्टीन या फोर्टीन लेक्चर्स हो गए हैं उसमें से कोई भी लेक्चर डेढ़ घंटे से कीचे का, का नहीं है कुछ उसमें अढ़ाई घंटे के भी हुए हैं दो तीन लेक्चर्स तो कहने का मतलब आई एम ट्राइंग माई बेस्ट जितना डिटेल में पॉसिबल है टाइम की लिमिट को एक्सीड करते हुए भी बट देन आई एग्री विद यू एंड आई अपोलोजाइज फॉर देट आपकी बात ठीक है थोड़ा सा टॉपिक का रेलिवेंस uh, थोड़ा सा चेंज हुआ है आई एग्री पर बी इन फ्यूचर विल ट्राई इज अगर पॉसिबल हुआ दिस इज ऑफकोर्स सब्जेक्ट टू कंसल्टेशन विद अन अकेडमी कि जैसे किसी बर्निंग इशू पे सेपरेटली एक एक वीडियो बन जाए उसमें पुराने वाले इशू भी कवर हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए फार्म लॉज है ये अभी बर्निंग इशू है तो फार्म लॉज ओनली सिंगल टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बने और वो जरूरी नहीं है कि आज का ही इशू हो आज का ही करंट अफेयर हो थोड़ा महीना दो महीना पुराना भी हो सकता है तो आई विल ट्राई दैट इफ दैट इज पॉसिबल देखिए दूसरा आशीष जी ने बोला है कि पॉलिटी का फुल कोर्स चाहते हैं तो देखिए ये क्योंकि ये जो बेसिकली जो कोर्सेज हैं ये एक्चुअल में अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं तो जहां तक मुझे लगता है मोस्ट लाइकली आई थिंक फेबर से पॉलिटी का आई विल स्टार्ट मोस्ट लाइकली आई विल स्टार्ट Uh, education Junction with Sushil Kumar. Have you retired from IPS or taken VRS? Actually, I left the IPS early. I have nobody in IPS. I left in 1999. I joined in 1985 and left in 1989. After about 14-15 years of service, approximately. Okay, friends. Thank you very much for watching this video, and uh, I stop here. Tomorrow again, we'll meet at meet of course virtual meeting 7 pm with the regular month series. Thank you very much, friends.